ओके सो स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, पहले हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और हमारे जो बैरिक्स में जो सेक्शंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 6 दैट इज कवरिंग सेक्शंस 39 टू 55 तक कवर करता है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये भी हम देख लेंगे। इसमें पार्टनरशिप से कैसे डिफरेंट है एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सेक्शन 39 से 55 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए जब फर्म डिसॉल्व होती है, सो फर्म का डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, जितने भी पार्टनर्स है, ऑल पार्टनर्स, वो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं साथ। दैट मीन्स जितने भी पार्टनर्स हैं, ये इनका सबका जो कॉन्ट्रैक्ट था या पार्टनरशिप को लेकर बिजनेस को चलाने को खत्म करना, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, सपोज कीजिए ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर में से एक जा रहा है, तो देर इज अ डिसोल्यूशन बिटवीन द ए एंड बी एंड सी। ए बी एक साइड पे है, ये सेकेंड साइड पे है, तो इनका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म हुआ है। दैट मीन सी इज नॉट अ पार्टनर। सी पार्टनर कैसे नहीं रह सकता, या तो वो रिटायरमेंट ले ले या वो एट विल पे चला जाए, ठीक है, या फिर सी की डेथ हो जाए या सी इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, तो कोई भी ऐसा ग्राउंड हो सकता है जहां पे सी जा सकता है। और जब सी जाता है या रिटायर्ड होता है, तो देर इज एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी एंड सी। इन दोनों के बीच में अब तो ए एंड बी बचे ना, एक तरफ ए एंड बी एक तरफ सी, तो देर इज एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी एंड सी। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप का खत्म होना कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब ए बी सी तीनों नहीं चाहते हैं कि भाई काम बिजनेस बिजनेस किया जाए, हम परेशान हो गए हैं, लॉस चल रहा है काफी, ठीक है, या इक्विटेबल ग्राउंड नहीं है, उचित लग रहा है कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, देन देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी, तीनों में कोई रिलेशनशिप नहीं बचा, दैट इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, मैं ऊपर से बता रहा हूं भी आपको, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो इट डजंट मीन ए बी सी, अगर तीन पार्टनर है, ए बी सी तीन पार्टनर में से एक की डेथ हो गई है, तो अगर उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट लिख रखा है कि इवन आफ्टर द डेथ ऑफ अ वन पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर कैन कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म, देन इट विल नॉट बी डिसोल्यूशन, बशर्त है उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में चीजें ऐसे लिखी हुई हो, ठीक है, तब वो डिसॉल्व नहीं होती है। बट सपोज करो एक पार्टनरशिप है जिसमें एक और ए और बी दो ही पार्टनर है, और दो पार्टनर में से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, और इन्होंने एग्रीमेंट लिखा हो, इन्होंने एक अपना एक एग्रीमेंट लिखा हो कि भैया आफ्टर द डेथ ऑफ ए एंड बी ए कैन कंटिन्यू द पार्टनरशिप, तो ए कैन नेवर कंटिन्यू द पार्टनरशिप बिकॉज द पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा चाहिए। जब एक मर ही गया है और इन्होंने एग्रीमेंट में लिखा था कि भाई बी के मरने के बाद ए कंटिन्यू करेगा, तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। अभी हम बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, फिर हम कुछ ऐसे केस लॉज भी पढ़ेंगे जहां पे ऐसा लिखा हो सकता है, एग्रीमेंट में ऐसा लिखा होगा कि अगर बी मर जाता है या बी की डेथ हो जाती है, तो बी का जो लीगल एयर है, ठीक है, लीगल एयर जो है इसके, वो बी की जगह पर अगर आ जाते हैं, नाउ द क्वेश्चन विल बी देयर वेदर द पार्टनरशिप विल बी कंटिन्यू बिटवीन द बी सन सी, इसके और इसके बीच में पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, ये आज के लेक्चर में हम सारी चीजें देख लेंगे। पहले हम देखेंगे डिसोल्यूशन कितने तरीके से हो सकता है, देयर इज अ लॉट ऑफ वे ऑफ डिसोल्यूशन, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो सेक्शन 39 डिसोल्यूशन की बेसिक बात करता है, अगर 40 की बात करें फिर वहां था डिसोल्यूशन बाय 40 टू 44 तक यहाँ बात की गई है डिसोल्यूशन कितने तरीके से हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज बाय एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है आपके बीच में, तो सेक्शन 40। सेकेंड
कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन दैट इज सेक्शन 41। अब इसमें पहले इसमें दो ग्राउंड थे, ए था बी था। अब ए तो हट चुका है इंसॉल्वेंसी एक्ट आने से, अब से बी बचा है। बी क्या है? अनलॉफुल हो जाना। थर्ड क्या है? कॉन्टिजेंट डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन ऑपरेशन ऑफ लॉ। कंटिजेंट इसको इसलिए बोला गया है कि आपने जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म को एस्टैब्लिश किया था, इट मे बी फॉर द सिक्स ईयर और इट मे बी फॉर द एनी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग और फॉर एनी एडवेंचर, वो कंप्लीट हो जाता है तो डिसॉल्व हो जाएगी फर्म, दैट इज सेक्शन 42। एंड द फोर्थ वन इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नोटिस हियर मींस जहां पे पार्टनरशिप एट विल होगी तो आप नोटिस दीजिए, फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है 43। बट यहाँ पर एक कई चीजें टेक्निकल चीजें समझनी पड़ती है हमें। जैसे पार्टनरशिप एट विल है तो पार्टनरशिप एट विल पे आप जा रहे हो तो आप डिसोल्यूशन मांग सकते हैं क्या? सपोज करो ए बी सी तीन पार्टनर है, सी ने नोटिस दिया भाई मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता हूँ, इसने एट विल की बात की थी कि भाई ठीक है कोई भी पार्टनर जब मर्जी जा सकता है बट उसे नोटिस देना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ देयर इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन ए एंड बी एंड सी कि अगर कोई भी जाता है उसके बाद भी पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी, नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेदर द पार्टनरशिप वुड बी डिसॉल्वड होगी, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्वड होगी या नहीं होगी सी के नोटिस देने पे, ये क्वेश्चन भी हमने देखना होगा, ठीक है इसका आंसर हम देखेंगे। क्योंकि तो चलो इसने तो नोटिस दे दिया तो इसके नोटिस देने से क्या ए और बी तो रिमेनिंग पार्टनर है ना, ये चाहते हैं हम बिजनेस कंटिन्यू करें, तो क्या बिजनेस कंटिन्यू रहेगा या वाइंड अप होगा या डिसॉल्व हो जाएगा, बताइए पहले आंसर इसका नोटिस वाले कॉन्सेप्ट का। सर अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहते हैं तो देन बिजनेस विल कंटिन्यू, अगर वो भी चाहते हैं डिसॉल्यूशन देन द बिजनेस विल गेट डिसॉल्व। हाँ जी देखो रिमेनिंग पार्टनर ने एग्रीमेंट किया है कि हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, तो वो नोटिस देता है तो नोटिस देता तो वही तो जाएगा राइट, तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर कैन कंटिन्यू द बिजनेस। और लास्ट आता है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, कोर्ट डिसॉल्व करेगी। कोर्ट अभी कोर्ट कब डिसॉल्व करेगी, वैसे तो सेक्शन 44 इस बारे में डील करता है। कोर्ट तब डिसॉल्व करती है जब कोई और ग्राउंड नहीं बचता है और कोर्ट के पास 7 ग्राउंड्स हैं ऐसे। देखो कोर्ट कब डिसॉल्व करेगी, जब सारे पार्टनर तो चाहते हैं, सपोज करो ए बी सी डी तीन चार पार्टनर हैं, चार पार्टनर में से सिर्फ एक पार्टनर चाहता है कि भैया पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाए, बाकी नहीं चाहते हैं, तो उसे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और कोर्ट चाहे तो इनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हो तो कोर्ट कैन डिसॉल्व इट, बट द कोर्ट विल यूज द डिस्क्रिशनरी पावर है एंड दैट डिस्क्रिशनरी पावर हैज टू बी यूज रीजनेबली, ये रीजनेबली होगा। अब ये 7 जो ग्राउंड्स है इन पे फोकस करेंगे हम, क्या क्या 7 ग्राउंड्स होते हैं। जस्ट एंड इक्विटेबल तो है ही कोर्ट का एक कारण के कोर्ट चाहे तो उचित लगे तो पूरी फर्म को डिसॉल्व कर दे। अब आप एक चीज देखिएगा इसमें एक ही तो पार्टनर है ना, एक पार्टनर कह रहा है कि भाई पूरी फर्म डिसॉल्व कर लो, अरे ये तो नहीं चाहते ना, ए बी सी नहीं चाह रहे हैं, तो क्या जो कोर्ट है इतना अच्छा फ्लरिश बिजनेस कर रहा है तो क्या कोर्ट डिसॉल्व कर दे फर्म? भाई अच्छा बिजनेस चल रहा है तो कोर्ट ऐसा तो है नहीं कि फ्लरिश बिजनेस को कहेगी बंद करो इसको, डी को जाना है ना, डी ने कहा भाई मेरे पे ऊपर वाले कोई भी ग्राउंड नहीं है ना, वो पार्टनरशिप एट विल भी नहीं थी और वो कंपलसरी में भी नहीं आ रहा था, लॉफुल काम चल रहा है लेकिन उसे लगता है मेरा बाकी लोग मेरे लिए फेथफुल नहीं है, कोर्ट में जाएगा कोर्ट में प्रूफ करेगा तो कोर्ट फर्म डिसॉल्व नहीं करेगी। कोर्ट क्या कह सकती है डी से, व्हाट द कोर्ट कैन आस्क फ्रॉम द डी, अच्छा बिजनेस चल रहा है लेकिन डी को इन तीन लोगों से परेशानी है ए बी सी से, तो व्हाट कैन व्हाट मैक्सिमम कोर्ट कैन डू फॉर द डी इफ द डी वांट टू गो आउट ऑफ द फर्म। कोर्ट कह सकते हैं डी से भैया एक काम करो आप रिटायर्ड हो जाओ, इंस्टेड ऑफ डिसॉल्विंग द फर्म, फर्म डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, आपको रिटायर करने का ऑप्शन दे रहे हैं, रिटायर्ड हो जाइए आप। रिटायर्ड हो जाएगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अच्छा फर्म डिसॉल्व के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और एक पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो क्या रिजल्ट आता है। अच्छा एक बात बताओ, एक पार्टनर जब रिटायर्ड होता है तो क्या डिसोल्यूशन होता है फर्म का? हाँ जी ये आपको पता होना चाहिए। इफ अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म।
हाँ जी, तो अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, पहले तो हम बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, फिर हम बहुत डिटेल में जाएंगे। देखो एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक पहले हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो हमारा बेरेट कहता है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब सारे पार्टनर जाएंगे तब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा, जब एक पार्टनर जा रहा है, दो जा रहे हैं, कुछ पार्टनर जा रहे हैं, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है बिटवीन द आउटगोइंग पार्टनर एंड रिमेनिंग पार्टनर्स। ये सिचुएशन आती है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन वाइंड अप हो रहा है ना, खत्म हो रहा है। अब एक चीज और आप समझ लेंगे, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है ना, या फर्म डिसॉल्व होती है, तो चीजों को, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, मैं पार्टनरशिप नहीं कह रहा, पहले ध्यान फोकस करना, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा मैं भी आपको। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो वाइंडिंग अप होता है, वाइंडिंग अप ऑफ अ बिजनेस। ये वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग अप में क्या होगा, जो हमारी एसेट्स हैं उसको क्या करेंगे, हम पहले रियलाइज करेंगे। इस एसेट से हमारी जितनी भी लायबिलिटीज होंगी फर्म की, वो पे की जाएगी, या जो भी हमारा जो प्रॉफिट है, पहले एसेट्स देखेंगे, एसेट्स क्या है, हमारा जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट से हमारी लायबिलिटीज पे की जाएंगी, लायबिलिटीज के बाद जो कुछ बचेगा, अगर कोई सरप्लस बचता है, दैट हैज टू बी पेड ऑफ। अब वो किसको पे किया जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर्स है, जो भी बचा है वो पार्टनर्स को प्रोपोर्शनली एज पर द एग्रीमेंट पे होगा। दैट इज कॉल्ड वाइंडिंग अप। डिसोल्यूशन होने के बाद वाइंडिंग अप में टाइम लगता है, इट्स मे टेक टाइम। बट अगर कोई पार्टनर, सिर्फ एक पार्टनर जा रहा है, तो पूरी फर्म का सारा एसेट्स लायबिलिटी को डिक्लेयर कर दे क्या, ऐसा नहीं होता है। एसेट्स लायबिलिटी, देनदारी लेनदारी सब चीज को खत्म नहीं किया था, वाइंडिंग अप नहीं होती है उस सिचुएशन में, क्या होता है। हाँ जी बताइए, अब बताइए मुझे उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। एक पार्टनर जा रहा है, ए बी सी तीन पार्टनर है, एक पार्टनर जा रहा है सी, अब क्या करोगे, पूरा बिजनेस को निपटा दोगे, वाइंड अप में चले जाओगे, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो क्या करेंगे अगर आप। सर सी के शेयर का जो भी सेटलमेंट होगा, फॉर दैट सेटलमेंट इट विल बी डीम्ड एज अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सी को हमें पे करना है ना, सी जा रहा है ना, सी ने जितना पैसा लगाया है तो वो पे करना पड़ेगा। सपोज करो सी ने एक कार दी थी बिजनेस में, ठीक है, सी ने कार दी थी जिसकी 10 लाख रुपए वैल्यू थी, मान के चल लेते हैं, तो ये कार की वैल्यू 10 लाख रुपए रहेगी क्या, अरे डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा, 2 साल हो गए थे इसको रहते हुए, तो 2 साल में कार की वैल्यू क्या निकल के आएगी, कार की वैल्यूएशन निकल के आएगी सपोज करो 8 लाख रुपए, तो इसको 8 लाख रुपए देंगे, ठीक है। और ये भी देख लेंगे सी जब जा रहा है तो उसके लायबिलिटीज क्या क्या है, हमने पढ़ा था ना, रिटायरिंग पार्टनर नोटिस देगा, नोटिस देने से पहले जो भी उसके एक्ट ऑफ द फर्म थे उसके लिए वो लायबल होता है, राइट, तो सी के लिए वो चीज भी देनी पड़ेगी सी को, सारी चीज। तो इसको हम क्या, वाइंडिंग अप नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स निकालेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एंड देन उसका पे करके उसको जाने देंगे फिर, ठीक है, उसकी जो लायबिलिटीज होंगी वो सारी पे होंगी, बट ये पूरा प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, ठीक है। और देखो एक चीज समझना, जब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है तो बिजनेस कैसा होता है, इसमें पॉइंट्स बना लेना आप। पहला पॉइंट क्या है, बिजनेस का क्या होगा, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो बिजनेस क्या होगा, चलेगा या डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा, बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा। इधर क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, एक पार्टनर गया तो बिजनेस का क्या होगा, इट मे कंटिन्यू डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। और इसको बोलते हैं ओनली, इसमें क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। हमने पढ़ा था ना इनकमिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। और क्या होगा, सेकंड पॉइंट बताइए, और क्या डिफरेंस नजर आया आपको इसमें। वाइंडिंग अप वाला तो समझ में आ गया होगा, वाइंडिंग अप क्या होता है, इसमें रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है, रियलाइजेशन ऑफ
एसेट्स एंड लाइबिलिटी, यहाँ क्या होता है रिवैल्युएशन होता है, रिवैल्युएशन होगा। और क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट बताइए जल्दी से, कमन क्विकली। पार्टनरशिप ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी यहाँ पर तो। एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली पार्टनरशिप विद वन पार्टनर बिटवीन द पार्टनर, जो भी वो बाहर जा रहे हैं उनके साथ होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम डाल सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप का स्टेटस लिख लेते हैं। ठीक है, स्टेटस क्या रहेगा, ये तो एंड हो जाएगी पार्टनरशिप बिटवीन ऑल, यहाँ पे ओनली बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स, ओनली बिटवीन आउटगोइंग पार्टनर, जो जा रहे हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप खत्म होगा। ठीक है, एक और देखते हैं स्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है स्कोप। स्कोप इन द सेंस, देखो अगर सपोज करो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में अगर दो पार्टनर है, इफ ओनली टू पार्टनर, तो ये क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी? तो ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि दो लोग हैं, ए और बी, दो पार्टनर है, दो में से एक चला गया, एक रिटायर कर जाता, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। बट अगर दो से ज्यादा है, तीन पार्टनर ए बी सी हैं, तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तीन है, एक गया, दो कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट मीन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में मे और मे नॉट, जो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म है, वो मे और मे नॉट डिसॉल्व, मे और मे नॉट डिसॉल्व। इज दैट क्लियर? फोर्थ पॉइंट ठीक है? यस सर। यहाँ पे डिसॉल्व हो भी सकती है फर्म या नहीं भी हो सकती है, अगर दो ही है तो डिसॉल्व भी हो जाएगी, लेकिन अगर दो से ज्यादा पार्टनर है, तीन पार्टनर है, तो इट मे कंटिन्यू सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पर क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यहाँ तो ऑफ कोर्स ही बात है, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो डिसोल्यूशन होना ही इम्पोर्टेंट है, डिसॉल्व हो ही जाएगी फर्म। ठीक है, यहाँ डिसॉल्व भी हो जाएगी, बट यहाँ पे फर्म डिसॉल्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? इसको हम बोल सकते हैं फाइनल क्लोजर, that is called final closure of a business, that is called final closure of the business, but ये final closure नहीं होता है, business may continue, is that clear? ये समझ में आ गया? जी सर। चलिए आगे चलते हैं, बेरेट्स की तरफ चलेंगे, पहले 40 पढ़ लेंगे और सॉरी 39 के आगे फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने देखा सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्या होता है, वो देख लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। कुछ और इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, यानी सबके साथ अगर सारे पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप खत्म होगी तो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लेकिन अगर एक जा रहा है, दो जा रहा है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, फर्म नहीं होती है। नाउ सेक्शन 40 व्हाट इट सेज, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, आपके बीच में समझौता था, जब आप आए थे तब आप समझौता कर आए थे, एग्रीमेंट करके आए थे, आप जा रहे हैं, आप सब जा सकते हैं समझौता करके, सब जाएंगे तो डिसॉल्व कर सकते हैं बाय एग्रीमेंट, के हम नहीं चाह रहे बिजनेस खत्म करना चाह रहे, म्यूचुअल कंसेंट से सारे जा रहे हैं। अगर एक जा रहा है तो वो क्या होता है, अगर एक जा रहा है तो वो रिटायरमेंट होगी या पार्टनरशिप एट विल होगी। इज दैट क्लियर? अ फर्म मे बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, यहां लिखा ऑल द पार्टनर्स, एग्रीमेंट, जैसे सब लोग आए थे सब लोग बंद भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं, और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी, या उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा हो वैसे वो फर्म को एग्रीमेंट करके सब जा सकते हैं। 40 ठीक है, तो इसमें देयर इज वेरी सिंपल सेक्शन है, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। बट एक चीज ध्यान रख लेना, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो डिसॉल्व होते ही क्या पार्टनरशिप खत्म हो जाती है बिटवीन ऑल द पार्टनर्स,
हाँ जी देखो, एक पीरियड को आपको समझना पड़ेगा, एक है डिसोल्यूशन, जिस दिन आज डिसोल्यूशन हुआ आप सबने म्यूचुअल कंसेंट से एग्रीमेंट किया कि हम इस बिजनेस को खत्म कर रहे हैं, दैट इज अ डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, हम सब एग्री हो गए। बट एग्री होने के बाद वाइंडिंग अप का प्रोसेस कितना लंबा है? बहुत लंबा प्रोसेस है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। आपकी सारी एसेट्स को काउंट किया जाएगा, कितनी एसेट्स है, कौन कितनी कैपिटल लाया था, किसकी लायबिलिटीज होंगी, ठीक है, वो हम सेक्शन 48 में पढ़ेंगे। व्हाट वुड बी द प्रोसेस आफ्टर द डिसोल्यूशन, हाउ दी जो एसेट्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, लॉसेस कैसे पहले पे किए जाएंगे, उसके बाद फिर कैपिटल में से कैसे हम सबको जिसने एडवांसेस दिए होंगे पहले उसकी पेमेंट होगी, फिर कुछ बचेगा तो पार्टनर्स को बटेगा। तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई, आपकी लायबिलिटी तब तक रहेगी जब तक पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व हो रही है, जब तक उसकी सारी लायबिलिटीज देनदारी तब तक वाइंड अप ना हो जाए, यानी पार्टनरशिप जब तक वाइंड अप नहीं हो रही है। इफ यू डूइंग एनी एक्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड, डिसोल्यूशन टू वाइंडिंग अप के बीच में अगर जो भी आप चीज एक्ट कर रहे हैं, यू वुड बी लायबल, ठीक है। तो पार्टनर कैन नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व, पार्टनरशिप कैन नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व टिल All the outstanding have been released. जब तक उसकी सारी outstanding को खत्म ना कर दिया जाए। A firm can be deemed to remain in a business. Business तब तक माना जाएगा, as long as its business debts remain undischarged. जब तक उसके सारे debts को pay ना कर दिया जाए। Is that clear? हाँ जी। Come on, say yes or no? Yes, sir. जब तक उसके सारे बिजनेस के डेट्स को लायबिलिटीज को पे ना कर दिया जाए, यानी डिसोल्यूशन से वाइंडिंग अप तक के बीच में भी ये माना जाता है कि बिजनेस अभी चल रहा है, बिकॉज वाइंडिंग अप कर रहे हैं, जब वाइंडिंग अप हो जाएगा तब आपकी लायबिलिटीज खत्म होगी। नाउ 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में ये आप पहली चीज तो फर्स्ट जो ए पॉइंट है इसको हटा दीजिए, आपके बैरक में लिखा है क्या ये? यस yes, कौन सी ईयर में खरीदा था बैरक? 15 से पहले का होगा, 16 से पहले का? सर मेरी बैरक 2017 की है, लेकिन उसके बाद भी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैंने नोट बना के हटा लो इसको, इंसॉल्वेंसी एक्ट के बाद ही हटा दिया गया ना ये सब। पर ये क्या क्या रहा ये बता दे, अब इसको समझा देता हूँ, लेकिन इसको हटा ही देना आप, ठीक है। ये देखो ये क्या कहता है, कंपल्सरी कब डिसॉल्व होगा, एक बात बताओ, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो फर्म कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी? तीन पार्टनर है एबीसी, एक इंसॉल्वेंट हो गया, एक का दिवालिया निकल गया, तो दो तो चला सकते हैं ना? यस सर। पीछे हम पढ़े हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, इनकमिंग पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर में अगर एक पार्टनर सीजेस टू बी अ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट नहीं रहता है तो उसको बाहर निकाल देंगे, उस दिन से वो पार्टनर नहीं रहेगा, निकालने की जरूरत भी नहीं होगी, नोटिस होता अपने आप में। बट कंपल्सरी डिसोल्यूशन ये कह रहा है भाई, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, एक ना रहे, एक सॉल्वेंट है बाकी सारे इंसॉल्वेंट है, सारे पार्टनर जो हैं, अगर ए बी सी डी चार पार्टनर है, चार में से तीन इंसॉल्वेंट हो गए, तीन का दिवालिया निकल गया, एक बचा, पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी क्या? एक ही तो बचा है ना, पार्टनरशिप तो दो की होती है कम से कम, इसको हटा दिया गया है कि पहले था, अब हटाइए इसको। और फर्म इज डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व हो जाती थी बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर या ऑफ ऑल द पार्टनर बट वन एज इंसॉल्वेंट। अब ये लैंग्वेज को समझने का तरीका आना चाहिए, यहाँ पे लिखा बट वन एज इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, एक बचा है बस, ठीक है, तो एक से तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी, इसलिए कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता था, बट नाउ इट हैज बीन एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी एक्ट। बी 41 का बी ये कहता है, बाय हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट व्हिच मेक इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरिड ऑन। अब हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो अपने आप में अनलॉफुल हो गया है, वो नहीं चल सकता, अनलॉफुल हो गया, जब हमने स्टार्ट किया था लॉफुल था, बट आज के टाइम में वो अनलॉफुल हो गया। वाई? बिकॉज क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने या बीजेपी की सरकार ने गुजरात में लीकर बैन कर दी है। गुजरात में हमारा बिजनेस था, हम दारू बेचा करते थे, लेकिन दारू बननी बंद हो गई है,
तो अनलॉफुल हो गया, अनलॉफुल बिजनेस हो गया तो चलेगा क्या? कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। या मैं किसी कंट्री से, मैं पाकिस्तान से ट्रेड करता था, नाउ द पाकिस्तान इज अ एनिमी कंट्री, आई कैन नॉट डू द ट्रेड, इट बिकम अनलॉफुल टू डूइंग अ बिजनेस विद द पाकिस्तान, एंड देयरफॉर कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ठीक है, 41। अब 41 का सिर्फ एक ही बचा है, ठीक है, बी ही बचा है। अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट वेर मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर अंडरटेकिंग इज कैरिड ऑन बाय द फर्म। अब फर्म दो काम करती थी, एक तो दारू बनाती थी, दारू बेचा करती थी गुजरात में, और एक राजमा राइस चावल का काम करती थी, दोनों काम करती थी। अरे दारू ही तो बंद हुई है, राजमा राइस तो फिर भी लीगल है ना, तो बेचो राजमा राइस। ठीक है, तो ऐसा इसमें कहा गया, प्रोवाइडेड दैट वेर मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर अंडरटेकिंग इज कैरिड ऑन बाय द फर्म, the illegality of the one or more shall not of itself cause the dissolution of the firm in respect of its lawful adventure undertaking. जो चीज lawful है उसको चलाइए, वो बंद नहीं होगी, सिर्फ unlawful part बंद हो जाएगा। ठीक है, compulsory dissolution हो जाएगा। Now 42, dissolution on happening of the certain contingencies. Dissolution on the happening of certain contingencies. अब contingency का मतलब क्या है? कि जो चीज होनी थी वो हो गई है, या कुछ ऐसी आकस्मिक चीजें आई हैं जो नोबडी कैन एंटिसिपेट। डेथ को एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता, बट डेथ इज सर्टेन, डेथ सर्टेन होती है, हर इंसान को कभी ना कभी मरना है, तो दैट इज सर्टेन, बट हाउएवर इट इज नॉट, यू कैन नॉट डिटरमाइन कि एक इंसान इतने तारीख को मरेगा या इतने तारीख को वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स अ फर्म इज डिसॉल्व, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ये ध्यान रखना। A firm is dissolved हो जाएगी कब? If constituted for the fixed period, हमने एक साल के लिए partnership firm establish की थी, एक साल खत्म होने के बाद firm खत्म हो जाएगी, but ऊपर क्या लिखा है? Subject to the contract, क्या पता हम उस firm को continue रखें। अगर हमने firm को continue रखी एक साल के बाद तो बन जाती है partnership at will। ठीक है, एक साल का period था, हमने तब भी continue रखी, इम्प्लाइडली कंटिन्यू रखी, काम करते रहे, तो दैट बिकम्स अ पार्टनरशिप एट विल। लेकिन एक साल खत्म हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, हम ऐसा लिख सकते हैं अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट में कि एक साल के बाद भी कंटिन्यू हो सकते हैं अगर सारे पार्टनर चाहे तो, इट कैन बी पॉसिबल। इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरिंग आउट वन और मोर एडवेंचर, हमने रोड बनाने की बात की थी कि हम रोड बनाएंगे, हमने रोड बना दिया, खत्म, पार्टनरशिप खत्म। लेकिन हमने रोड बनाने के बाद और भी हमने कॉन्ट्रैक्ट करने स्टार्ट कर दिया, और हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा था कि हम इसको भी कंटिन्यू कर लेंगे, इट कैन बी डन। अब देखो, बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो डेफिनेटली डिसोल्यूशन हो जाता है, अगर सिर्फ दो पार्टनर है तो। बट अगर एक की ए बी सी तीन पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी और उन्होंने लिख रखा था कॉन्ट्रैक्ट में कि दैट remaining partner can continue even after the death of the partner, they can do it so. By adjudication, teen partner the ABC, teen partner the, ek insolvent ho jata hai, do partner continue kar sakte hain, basharte unke aise contract mein likha hona chahiye, agar nahi likha hai to dissolution, agar nahi likha hai to section 42 ke hisab se partnership act chalega, lekin subject to the contract, aapke contract mein aisi baatein likhi hai to contract supersede karega. Now 43, dissolution by the notice of partnership at a will, dissolution by notice at partnership at will का मतलब जब आप जाना चाहें जा सकते हैं, नोटिस दे दीजिए, बट अगर नोटिस के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन लगी है देन इट विल नॉट बी पार्टनरशिप एट अ विल। सेक्शन 7 हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 7 में हमने समझा था अगर पार्टनर जब मर्जी चाहे तो जा सकता है वाइल गिविंग अ नोटिस, बट अगर कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन है जो उसको रोकती है, उसको रोकती है, दैट विल नॉट बी कंसीडर एज अ पार्टनरशिप एट विल। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप एक साल से पहले नहीं जा सकते तो वो पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी। सो वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल है, वो दूसरे वालों को नोटिस दे सकता है कि भैया मैं पार्टनरशिप में से जाना चाहता हूं और इसलिए मैं डिसॉल्व करना चाहता हूं, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। बट एक चीज आप समझ लेना, अगर देखो कोई उसका रीजनेबल ग्राउंड नहीं, वो जा तो सकता है बट वो डिसोल्यूशन क्लेम नहीं कर सकता, ही कैन गो फॉर दी पार्टनरशिप से वो जा रहा है, क्योंकि एक इंसान जा रहा है, बाकी चार पार्टनर, तो सपोज करो चार पार्टनर है, एक पार्टनर ही जा रहा है, उसकी इच्छा है वो जा सकता है, इच्छा है जा सकता है, बट ही कैन नॉट क्लेम फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, क्योंकि फर्म तो ऑलरेडी अच्छा फ्लरिश काम कर रही है, तो
तो हम क्या करेंगे, एक पार्टनर जा रहा था उसका फिर हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करके उसका पैसा दे देंगे, जो भी अगर उसको लगता है कि हाँ इतना इसका बनता है, दे दा के उसको निपटा देंगे। अगर ये कोर्ट में चला जाता है डिसोल्यूशन करने, तो कोर्ट भी देखेगी भैया रीजनेबल है भी या नहीं है, आप जा सकते हैं, तो आप जा रहे हो तो रिटायरमेंट लो ना, व्हाई यू आर क्लेमिंग के फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, टेक अ रिटायरमेंट। कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं, ठीक है, डिसोल्यूशन के अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होगा तो सब चीज को खत्म करना पड़ता है, तो इसलिए बेटर है कोर्ट गएगी कि भाई आप बेटर है कि आप रिलीफ ले लीजिए रिटायरमेंट की, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर द डिसोल्यूशन। द फर्म इज डिसॉल्व एज फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस। अब जब पार्टनर जाता है तो वो नोटिस में जो डेट मेंशन करता है, डेट मेंशन इन द नोटिस, वो डेट मानी जाएगी डेट ऑफ डिसोल्यूशन। और इफ नो डेट इज मेंशन, इफ नो डेट इज मेंशन एज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कम्युनिकेशन टू द नोटिस। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर दो पार्टनर है, दो पार्टनर में से एक पार्टनर के पास ये दोनों पार्टनर के पास ऑप्शन है, वो जब मर्जी नोटिस देके जा सकते हैं, तो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप एट विल के ग्राउंड पे, अगर दो पार्टनर है। जिस दिन उसने नोटिस देगा उस दिन से वो डिसॉल्व मान ली जाएगी। और अगर कोई डेट मेंशन नहीं है उसमें, डेट मेंशन नहीं है नोटिस में, दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस, जिस दिन नोटिस नॉलेज में आएगा। ठीक है, नाउ डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अब कोर्ट चाहे तो, कोर्ट के पास पावर होती है, इन अ रीजनेबल मैनर द कोर्ट कैन डिसॉल्व द फर्म। अब ये कोर्ट कब डिसॉल्व करेगी, एट द सूट ऑफ द पार्टनर। यानी चार पार्टनर्स हैं, चार में से सिर्फ एक पार्टनर चाहता है कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाए, बाकी तीन नहीं चाह रहे हैं, या दो चाहते हैं बट डिसॉल्व कर दिया जाए, दो नहीं चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डिसीजन तो आ नहीं रहा। अब वो क्या करेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे। अब द कोर्ट में डिसॉल्व अ फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कोर्ट चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है फर्म को इनमें से किसी भी ग्राउंड पे। सात ग्राउंड दे रखे हैं यहाँ पे, सेवन ग्राउंड्स, एक एक करके पढ़ लेते हैं। इसको खत्म करने के बाद फिर मैं इन पे सारे केस लॉज आपको कराता हूँ, ठीक है। व्हाट आर द ग्राउंड, द फर्स्ट वन, द पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। अब पार्टनर पागल हो गया है, दैट अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड इन विच द केस द सूट मे बी ब्रॉट एज वेल बाय द नेक्स्ट वन। अब कोई इंसान पागल हो गया है तो उसके बिहाफ पे सूट कौन फाइल करेगा, पागल आदमी तो कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता, तो उसका या तो नेक्स्ट फ्रेंड हो, ठीक है, उसका फ्रेंड हो या नेक्स्ट फ्रेंड रिलेटिव हो सकते हैं, और द पार्टनर हु हैज बिकम अनसाउंड माइंड, तो उसके बिहाफ पे उसका नेक्स्ट फ्रेंड कर सकता है या कोई और रिलेटिव हो सकता है, एज बाय एनी अदर पार्टनर। डिसॉल्व करवाएगा कोर्ट से, क्योंकि कोई अनसाउंड माइंड चला नहीं सकता ना बिजनेस, वो कैसे चलाएगा, तो पार्टनर रहेगा तो फायदा नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं पता रहेगा, तो इट्स बेटर टू गो फॉर द डिसोल्यूशन। तब डिसॉल्व हो जाएगी फर्म। दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्विंग, यहाँ क्या लिखा, अदर देन द पार्टनर स्विंग, जो मुकदमा कर रहा है उसके अलावा, has become in way permanently incapable of performing his duty as a partner. हम तीन लोग हैं, तीन पार्टनर हैं, एक पार्टनर उसमें से permanently incapable हो गया, यानी उसके हाथ कट गए दोनों, अब वो काम तो कर नहीं पाएगा। तो जो दो पार्टनर है रिमेनिंग पार्टनर, वो कह सकते हैं भाई पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व किया जाए, क्यों, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे वो इंसान ने सूट फाइल कर रहा है जिसके हाथ कट गए हैं, he become permanently incapable performing his duty as a partner, नहीं कर पाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर उसके हाथ में सिर्फ अभी फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर परमानेंट होता है क्या, फ्रैक्चर इज नॉट अ परमानेंट। और ऐसी चीज जो क्योरेबल है, जो सही हो सकती है, दैट इज नॉट अ ग्राउंड एयर। और यहाँ पर कौन किसके खिलाफ सूट फाइल कर रहा है, दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्विंग हैज बिकम, मतलब जो सही वाले पार्टनर है ना, ए और बी जो ठीक है, वो सूट फाइल कर रहे हैं कि भाई कोर्ट में जाके फर्म को डिसॉल्व कर दिया क्योंकि हमारा तीसरा पार्टनर इनकैपेबल है। बल्कि ऊपर वाले में, अनसाउंड वाले सिचुएशन में कौन सूट फाइल कर रहा है, जो पागल हुआ है उसकी तरफ से सूट फाइल हो रहा है, बट कर कौन रहा है, उसी का कोई फ्रेंड, क्योंकि अनसाउंड माइंड सूट फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, सी में क्या लिखा है, दैट द पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्विंग इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट prejudicially the carrying on the business regard being had to the nature of the business. बहुत important point है। अब suppose तीन partner है, तीन partner में से एक partner बहुत उसका व्यवहार इतना गंदा है कि उसके साथ काम ही नहीं कर सकते, और वो इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके का business हमारा है, वो business के साथ ये दगाबाजी कर रहा है,
या बिजनेस का नेचर इस तरीके का है कि वो उसका जो एक्ट है, उसका जो कंडक्ट है, वो बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। अब एक बात बताइए, जैसे सपोज कीजिए हमारा बिजनेस किसका है, मसाज पार्लर का है या ब्यूटी पार्लर है। अब उस ब्यूटी पार्लर में, उस ब्यूटी पार्लर में एक पार्टनर जो है वो लड़कियों को छेड़ता है, तो क्या बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? उस पार्टनर के साथ या वो पार्टनर एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो चुका है, दैट इज अ ग्राउंड। बिकॉज कहीं ना कहीं अब वो जो बिजनेस इस तरीके का है, वहां पे जो गर्ल्स आती हैं वो फेथ करके आती है कि बहुत अच्छा पार्लर है। अब वहां पे वो इंसान जो वो गंदी हरकतें कर रहा है, तो जिससे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसका कंडक्ट हमारे बिजनेस पे प्रभावित कर रहा है। देयरफॉर इन दैट केस इट कैन बी कंसीडर्ड के पार्टनर को बाहर निकालिए, डिसॉल्व करिए फर्म को, पूरे को हम नहीं चला सकते इसके साथ, फर्म पार्टनरशिप नहीं चल सकती, ठीक है, तो वहां डिसॉल्व होगी। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस पे। देखो बिजनेस ऑफ द नेचर, पार्लर की बात करी, कंडक्ट बहुत रिलेवेंट हो जाता है अगर उसका एडल्ट्रस एक्ट। बट अगर कोई बैंकर है, एक बैंकर है वो दूसरी शादी कर लेता है, सपोज करो हमने बिजनेस खोला, ट्रेडिंग का बिजनेस खोला ही है हमने, ट्रेडिंग हम क्या कर रहे हैं, वही राजमा राइस चावल का ट्रेड करते हैं, हम राजमा राइस चावल का ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उनमें से एक पार्टनर दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी शादी कर लेता है, क्या बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? नो, बिजनेस कर रहे हैं हम चावल का, वो दूसरी शादी कर रहा है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो डिसॉल्व नहीं करेगी कोर्ट। कोर्ट कहेगी भैया उसने दूसरी शादी कर ली, आमिर खान ने दूसरी शादी कर रहा है, दूसरी बीवी को छोड़ चुका है, अब वो शादी करे और उसका एक्ट, दोनों चीजें अलग है। लेकिन आजकल लोग कई सारे उस पर बड़े नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उठपटांग चीजें निकल के आ रही है, बोलते हैं लोग तो, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और पार्टनर ने, अगर पार्टनर, हमें ऑलरेडी केस कर चुके हैं कि पार्टनर ने एडल्ट्री कर ली किसके साथ, पार्टनर ने एडल्ट्री करी दूसरे पार्टनर की वाइफ के साथ, भाई द पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, उसके साथ बिजनेस होगा कतई भी नहीं होगा। लेकिन एक पार्टनर किसी थर्ड पार्टी, किसी और थर्ड इंसान, अननोन इंसान के साथ एडल्ट्री कर देता है, तो क्या नेचर ऑफ बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। डी क्या है, दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर शोइंग विलफुली एंड परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। जिस पार्टनर ने सूट फाइल करा है, उसके अलावा जो सामने वाला पार्टनर है, जो गिल्टी पार्टनर है, वो जानबूझकर विलफुली और परसिस्टेंटली यानी लगातार ब्रीच करता है एग्रीमेंट को, रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द फर्म और द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। उसको हम बुलाते हैं, भाई मीटिंग में आना है, तेरे को नहीं आता है, छुट्टियों पे घूमने चला जाता है बार बार, कुछ भी काम नहीं करता है, परसिस्टेंटली एग्रीमेंट में जो चीजें लिखी है वो नहीं मानता है, और अदरवाइज उसका जो कंडक्ट ऐसा है relating to the business that is not reasonably practicable for the other partner to carrying on the business in the partnership with him, uske sath kaam karna bilkul problematic ho chuka hai, we cannot do the business with him, kuch manta nahi hai, kya kya cheeze nahi kar sakta, jaise suppose karo usse kehte hai bhai rendering the accounts from accounts dikhao, wo accountant nahi dikhata hai, erroneously bill bana deta, jhoote bill banata hai, सामने वाले से ट्रेड करता है 100 रुपए का, फर्म को दिखाता है 150 रुपए का, 50 रुपए अपनी जेब में रखता है, तो फेथफुल नहीं रहा वो इंसान, तो इस तरीके की चीजें करता है। ई कहता है दैट द पार्टनर अदर देन द पार्टनर शोइंग हैज इन एनी वे ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू द थर्ड पार्टी, अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अपना सारा इंटरेस्ट तीसरे इंसान को सौंप देता है। अरे पार्टनरशिप में तो हम लोग आए थे ना, हम एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं, तो उन्हें पता नहीं किसको पार्टनरशिप में अपना थर्ड पार्टी बना दिया, अब वो हमारे काम में इंटरफेयर करेगा। पहली चीज तो हम ये पढ़ चुके हैं, जब पार्टनर सब पार्टनर को रखता है, सब पार्टनर कैन नॉट इंटरफेयर इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है। जब थर्ड पार्टी को हमने इंटरेस्ट अपना क्रिएट कर दिया एक पार्टनर ने, तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। बट हाँ, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस वो लेगा। या आपने क्या करा, हैज अलाउड हिज शेयर टू बी चार्ज, हैज अलाउड हिज शेयर टू बी चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 49 ऑफ द 21 ऑफ सीपीसी की हम बात करें तो वो क्या है, 21 क्या, एग्जीक्यूशन।
एग्जीक्यूशन में उसने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी जो फर्म के अंदर उसका जो शेयर है उसमें चार्ज क्रिएट कर दिया, अपने जो फर्म है जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर जो उसका शेयर है उसमें चार्ज क्रिएट कर दिया। चार्ज क्रिएट मतलब कि मेरे यहाँ से पैसा वहां जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फॉर्म में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट करा रहा है, ठीक है। और इस अटैचमेंट भी रिलेटेड है, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करवाता है। ये जो पर्टिकुलर रूल है ना, ये अटैचमेंट से रिलेटेड है, अटैचमेंट ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, तो वो चीजें करवा रहा है और उसमें शेयर को क्रिएट कर रहा है, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस करवा रहा है। और हैज अलाउ इट टू बी सोल्ड इन द एरिया रिकवरी ऑफ द एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब उसको कुछ अपना पैसा देना था सरकार को, उसके कोई ड्यूज थे पार्टनर के, उसने क्या करा अपना पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट क्रिएट करवा दिया कि भाई पार्टनरशिप फर्म से पैसा रिकवरी करवाइए। हैज अलाउ इट टू बी सोल्ड इन द रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ द लैंड रेवेन्यू और ऑफ एनी ड्यूज रिकवर एज एरिया ऑफ द लैंड ड्यूज फ्रॉम द पार्टनर। उस पार्टनर को देना था सरकार को कुछ एरियाज, और वो क्या कर रहा है, उसकी रिकवरी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट से अपने शेयर में से करवा रहा है। पार्टनर फर्म में से तो नहीं करवा पाएगा, लेकिन अपने में से भी करवाता तो भी गलत है। दैट द बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट बी कैरिड आउट एट द लॉस। अब एक चीज समझिए, जो हमने बिजनेस स्टार्ट करा था पार्टनरशिप में, शुरू में लिखा है कि जब टू और मोर पर्सन एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बट देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। अब हमने पार्टनरशिप जो बनाई थी वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए बनाई थी, लेकिन पार्टनरशिप कई सालों से नुकसान पे चल रही है, कई सालों से नुकसान में चल रही है, तो भैया उसको डिसॉल्व करना ही बेटर रहता है, ठीक है, लॉस पे चल रही है। Now, last one is on any ground which render it just and equitable that the firm should be dissolved. अब यहाँ पे कोर्ट को बहुत वाइड डिस्क्रिशनरी पावर है कि फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इफ द कोर्ट थिंक इट्स रीजनेबल। अगर कोर्ट को उचित लगता है तो कोर्ट उसको खत्म कर सकती है, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया किस तरीके से पार्टनरशिप डिजोल्व होंगी, कौन कौन से मेथड्स हैं, एंड नाउ विल डिस्कस विद द केस लॉज वन बाय वन क्विकली। अब इसके 45 से लेकर 55 तक प्रोविजन है वो वाइंडिंग अप के हैं कि उनकी क्या लाइबिलिटीज रहेंगी, कैसे वाइंडिंग अप होगा तो उसके बीच में जो प्रोसेस है, हम पहले अपने लॉसेस को पे करेंगे, जो क्रेडिटर का पैसा देना वो देंगे, उसके बाद कुछ बचेगा तो हमें मिलेगा, डेफिशिएंसी इन द कैपिटल में कमी जो आई है पहले उसकी भरपाई करेंगे, उस भरपाई से फिर हम सबों को पे करेंगे, किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा एडवांस दिया है तो एडवांस पहले दिया जाता है, पेमेंट उसकी वापस, ये सारे प्रोविजंस है। कई बार सेपरेट लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी ऑफ द फर्म होती है, पहले लायबिलिटीज ऑफ द फर्म है वो पे किए जाएगी, अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर की लायबिलिटी है पे करने की तो पार्टनर के पर्टिकुलर शेयर से पे की जाएगी, ठीक है। और अगर वाइंडिंग अप से पहले अगर कोई चीज पार्टनर बाउंड होता है अपने एक्ट के लिए, व्हाटएवर ही विल डू, ये सारी चीज, और जब पार्टनर कोई जाता है या पार्टनरशिप वाइंडिंग अप हो रही है तो उस वक्त कोई गुडविल खरीद सकता है, और गुडविल जो खरीदता है, जो बायर है, जो बेचने वाला है, बेचने यानी जो सेलर है, जो गुडविल के जो सेलर होंगे वो कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, यानी जो बेचने वालों को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, बट आप पर्टिकुलर लिमिट में हमारे गुडविल नेम फेम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको मोरलेस सारे ही पढ़ने हैं, हमें बैरेट से ही पढ़ने हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं केस लॉज की तरफ, जो हमने 44 तक हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ केस लॉज है, देन विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसको तो हम लिखते नहीं है, पीछे वाले को देख लेते हैं, इजी रहेगा, टाइम खराब होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कौन कौन से मोड्स से, सबसे पहले था एक एग्रीमेंट, पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 39 में हमने पढ़ चुके हैं, जब ऑल दी पार्टनर, सारे पार्टनर चाहे उनके बीच में पार्टनरशिप खत्म होने को बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कैसे हो सकती है, बाय एग्रीमेंट, कंपलसरी, कंटिंजेंट, नोटिस,
एटवेल या कोर्ट, कोर्ट के पास कितने ग्राउंड है? 7 ग्राउंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं, 39 हमारा हो ही गया था, लेट्स प्रोसीड फर्दर। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जिस तरीके से सारे लोग आए थे पार्टनरशिप में, सब जैसे आए थे वैसे जा भी सकते हैं। इन्होंने पार्टनरशिप करी थी वाइल मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, नाउ दे कैन ऑल्सो वाइंड अप बाय मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट अगेन म्यूचुअल कंसेंट से। म्यूचुअल कंसेंट से सब जा सकते हैं, पार्टनरशिप को खत्म कीजिए एनी टाइम, एट एनी टाइम जब इनका मन करे बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। यानी ये कैसे हो सकती है? एग्रीमेंट बाय एक्सप्रेस्ड और बाय इम्प्लाइड भी हो सकती है। इम्प्लाइड इन द सेंस के कोई लोग अब काम ही नहीं करते, बंद ही कर दिया इन्होंने, ठीक है। और पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्यूशन जैसे हमने आज करा है, आज हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं। आज सपोज डेट है 1st of January 2021, बट पार्टनरशिप डिसॉल्व तो आज हमने डिक्लेयर कर दिया, बट इसमें वाइंडिंग अप में टाइम लगता है। वाइंडिंग अप में सपोज करो 3 महीने लग गए, तो 31st 3 2021 इस बीच के पीरियड में पार्टनरशिप का बिजनेस को हम कंटिन्यू मानते हैं कि बिजनेस चल रहा है। बट इसके बारे में मैं भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि इस दौरान क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इस दौरान आप नया ऑर्डर नहीं दे सकते, यू कैन नॉट गिव एनी न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि बिजनेस जो है पार्टनरशिप जो है फॉर्म ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है। यू कैन नॉट गिव एनी न्यू ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। बट ऑफकोर्स ही बात है, अगर कोई पार्टनर जानबूझकर, लोग कह रहे हैं अभी भी पार्टनर है पार्टनरशिप चल रही है, तो वो फिर वो होल्डिंग आउट वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो जाएगा, फिर वो पार्टनर लायबल हो जाएगा। अब इस दौरान में, इस टाइम पीरियड के दौरान में आप नए ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन आपकी कुछ लाइबिलिटीज तो होंगी। हाँ जी, लाइबिलिटीज तो होंगी ना। इस दौरान आपने 5 लोगों ने बैठ के भैया डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान आपकी कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी भैया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जो परफॉर्म करना है अभी भी। यू ऑल हैव टू डू इट फर्स्ट, उनको पूरा कीजिए। और इस दौरान आपको क्या करना है, आप अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, से फॉर एग्जाम्पल आपके जो क्रेडिटर्स होंगे उनका पैसा पे करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि वाइंड अप क्या है, अल्टीमेटली एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा, एसेट्स को रियलाइज होगा, लाइबिलिटीज पे होंगी। लाइबिलिटीज पे करने के बाद वट एवर रिमेन्स, जो भी कुछ बचता है, दैट हैज टू बी सरप्लस बोलते हैं उसको, द सरप्लस हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, तब वो पार्टनर्स में बटेगा अगर कुछ बचा तो। लाइबिलिटीज कहाँ से दी जाती है? सबसे पहले प्रॉफिट में से दी जाएगी, यानी लॉसेज जो होंगे वो प्रॉफिट में से दिए जाएंगे। अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर वो कैपिटल में से जाती है, पार्टनर ने जो पैसा लगाया उसमें से जाएगी, ठीक है। 48 पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत क्लैरिटी होगी आप उसमें आपको, ठीक है। तो उसके बाद पार्टनर को कुछ बचा वचा है तो उसको पे किया जाएगा, और वो भी एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट इज अ साइलेंट अबाउट इट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो इक्वल, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि किस प्रोपोर्शन में जैसे बटेगा, देन एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, इफ इट इज नॉट रिटन एज पर दी, जैसे वो प्रॉफिट शेयर करते थे वैसे लॉस भी शेयर करेंगे। इज दैट क्लियर? तो डिसॉल्व होने पे आपकी लाइबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती। लाइबिलिटीज सारी कब खत्म होगी? जब वाइंडिंग अप होगा कंप्लीटली। तो आपकी जो आउटस्टैंडिंग है इस दौरान, आउटस्टैंडिंग को खत्म कीजिए, अपने ड्यूज को क्लियर कीजिए। फर्म अपने ड्यूज क्लियर करेगी, ओके। सो दैट इज द फर्स्ट वे, बाय मेकिंग एन एग्रीमेंट यू कैन जस्ट वाइंड अप द बिजनेस ऑफ द फर्म। नाउ सेकेंड हमने पढ़ा था कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन उसमें हमने जो 41 का ए पढ़ा था वो तो इंसॉल्वेंसी एक्ट
इंसॉल्वेंसी एक्ट में खत्म हो चुका है, ठीक है, 2016 में। अब बचा बी। बी में हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई अनलॉफुल चीजें हो जाती हैं, डिक्लेयर कर दिया कोई बिजनेस कोई अनलॉफुल कर दिया है गवर्नमेंट ने, एक एग्जांपल दिया था मैंने लीकर का, लीकर बैन कर दी गई गुजरात में, कई स्टेट्स में गुटखा भी बैन कर दिया गया, उसका बिजनेस करते थे, तो वो खत्म हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। बट अनलॉफुल के अंदर अगर हमने एक चीज देखी, अगर कोई आप कोई पार्टनरशिप फर्म दो बिजनेस करती थी, प्रोवाइजो में लिखा है ना, दो बिजनेस करती थी, पहला अनलॉफुल हो गया, दूसरा तो लॉफुल है, उसको करो, सेकंड वाला यू कैन डू इट, इफ इट इज लॉफुल देन यू कैन कंटिन्यू इट। इस पे केस कर लेते हैं हम। एक केस था आर वर्सेस कूफर, आर वर्सेस कूफर। इन द ईयर ऑफ 1915, अब इस केस में, अब ऑफ कोर्स ये बात है, जब हम ट्रेड कर रहे थे दो पार्टनर से, टू पार्टनर से, एंड दे वर रिसाइडिंग इन अ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग इन दोनों की कंट्री अलग थी, दे वर रिसाइडिंग इन अ डिफरेंट कंट्रीज, और लेकिन उन दोनों कंट्री में बाद में वॉर छिड़ गई, दो पार्टनर्स की जो कंट्रीज थी उनमें वॉर छिड़ गई। अब वॉर छिड़ गई तो इफ यू कैन नॉट डू द ट्रेड विद द एनिमी कंट्री एंड देयरफॉर इट बिकम्स अनलॉफुल, और अल्टीमेटली फर्म को क्या होना पड़ा, डिसॉल्व हो गए, ठीक है। ये हमारे हो गया कंपलसरी। थर्ड देखते हैं, नाउ द थर्ड इज डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी, सर्टेन कंटिंजेंसी, दैट इज सेक्शन 42। सेक्शन 42 क्या कहता है, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी क्या है, सेक्शन 42 इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना ये 42 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 42 सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, डिसॉल्व हो जाएगी। कब डिसॉल्व हो जाएगी, पहला वाला जो पॉइंट है इसका ए क्या कहता है, फिक्स टर्म की हो तो। फिक्स टर्म, हमने जो पार्टनरशिप बनाई थी 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर खत्म, पार्टनरशिप खत्म, बट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि 5 साल बाद भी कंटिन्यू रहेगी तो बिल्कुल रह सकती है। वन और मोर एडवेंचर, हमने पार्टनरशिप बनाई थी किसी पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए या कोई अंडरटेकिंग के लिए, सेक्शन 8 में लिखे ना ये वर्ड, वो कंप्लीट हो जाता है, पार्टनरशिप खत्म, बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रह सकती है। बाय डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ हो जाती है, एक पार्टनर की डेथ हो गई, फर्म डिसॉल्व होगी, बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो सकता है कि नहीं भैया डेथ हो गई, हम चलाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। इंसॉल्वेंट, एक इंसान इंसॉल्वेंट हो गया, बाकी रिमेनिंग पार्टनर कैन कंटिन्यू सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, सेक्शन 41 जो है, सेक्शन 41 इट इज अ कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, यहाँ होना ही होना है, अनलॉफुल हो गई तो कंपल्सरी है, लेकिन सेक्शन 42 इज नॉट अ कंपल्सरी। सेक्शन 42 क्या है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ये चीज हो भी जाएंगी, इनमें से कोई भी एक चीज हो जाए, कंपल्सरी डिसोल्यूशन नहीं है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट कहेगा तो ठीक है, नहीं तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे। डेथ हो जाती है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म में आपके प्रोविजन है, डेथ होने के बाद कंटिन्यू करेंगे, यू कैन डू इट, ठीक है। ओके, चलो इन्होंने तो बहुत सिंपल से प्रोविजन है, कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। फोर्थ नेक्स्ट क्या था, डिसोल्यूशन बाय द नोटिस इन द पार्टनरशिप एट विल, जब पार्टनरशिप एट विल पर है, इसमें भी कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वो अपना नोटिस देगा, नोटिस देके वो बिल्कुल फर्म को हमें जा सकता है। बट ऑफकोर्स ये बात है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऐसा नहीं है कि उसके विल की, अगर दो पार्टनर है ना सिर्फ, देन ओनली द फर्म विल डिसॉल्व, देन ओनली द फर्म विल बी डिसॉल्व, बिकॉज़ ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। बट अगर दो ए बी सी तीन पार्टनर है, ये चाहता है, डेफिनेटली यू कैन गो,
एटविल है, इसका इच्छा है जब ये जाए तो जा सकता है बिल्कुल, लेकिन ये दो चाहते हैं पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना, दे कैन डू इट। और नोटिस की डेट क्या होगी? जिस दिन उसने नोटिस में मेंशन करी है फर्स्ट डेट, उससे मान लिया जाएगा। अगर उसने मेंशन नहीं करी है तो दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, जिस दिन नॉलेज में आता है, कम्युनिकेशन जिस दिन हुआ। पार्टनरशिप एडविल में क्या जो पार्टनर चाह रहा है उसे रिक्वायर्ड है नोट, इज इट रिक्वायर्ड टू गिव अ रीजन बिहाइंड इट व्हाई यू आर गोइंग? देयर इज नो रिक्वायरमेंट, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं कि व्हाई यू आर गोइंग, ही इज नॉट टू गिव एनी रीजन, ठीक है, ना ही उससे कोर्ट पूछेगी, क्योंकि आपका टर्म एंड कंडीशन में लिखा था पार्टनर जब मर्जी जा सकता है। देखो जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, पहली बात तो आप सब लोगों को पता ही है, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल ओनली, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, इट इज नॉट कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन कब करा सकते हैं बताइए, रजिस्ट्रेशन कब कराएंगे पार्टनरशिप? हाँ जी, एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब क्या है? एनी टाइम का मतलब शुरुआत में करा ले, बीच में कराएं। 1 जनवरी 2021 को हमने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर दी, हम इसको रजिस्टर कब कराएं? 1 जनवरी से पहले कराएं या 15 अगस्त से पहले कराएं? देश आजाद हुआ है ना, इससे पहले करा ले। कौन सी डेट पे कराएं? सर हम 1 को भी करवा सकते हैं और 1 से लेके 15 हम इससे पहले भी करा सकते हैं, 1 जनवरी से 15 अगस्त के बाद भी करा सकते हैं, इसके बीच में भी करा सकते हैं, किसी भी टाइम करा सकते हैं। ये मैं एकदम से टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ, जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना तो उसमें कॉलम होता है कि पार्टनरशिप किस टाइप की है, एट विल है या नहीं है। उसमें अगर आपने टाइम पीरियड लिख लिया है तो 5 ईयर के लिए है तो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप एट विल, वो पार्टनरशिप विल नहीं होगी, ठीक है। और अगर उस कॉलम में आप लिख रहे हैं कि नहीं पार्टनरशिप एट विल है, दैट मीन्स यू कैन गो एनी टाइम, पार्टनर कैन रिटायर, जा सकता है एनी टाइम, तो आपको कारण भी नहीं बताना, इवन द कोर्ट विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू। बट नोटिस अगर आपको देना है तो नोटिस मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, नोटिस मस्ट बी क्लियर, नॉट वेक, वेक नहीं होना चाहिए, नॉट वेक, एम्बिग्यूस नहीं होना चाहिए, संदिग्ध नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी वेरी क्लियर, एम्बिग्यूस नहीं होना चाहिए। ये कहा गया था जॉन्स वर्सेस लॉयड में, जॉन्स वर्सेस लॉयड। रजिस्ट्रेशन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे अच्छे केस लॉज है पे, रजिस्ट्रेशन पे, वो हम करेंगे, देखते हैं अगर आज ही खत्म हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन केस लॉज से बहुत अच्छा टेक्निकल पॉइंट आते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मेंस का भी बन सकता है यहाँ से रजिस्ट्रेशन से। और अगर एक बार आपने बीइंग अ पार्टनर एट विल, इफ यू हैव गिवन अ नोटिस फॉर द डिसोल्यूशन, अगर आपने दे दिया, इट कैन नॉट बी विदड्रॉन, कैन नॉट बी विदड्रॉन, वापिस नहीं लिया जा सकता। अच्छा एक बात बताओ, पार्टनरशिप एट विल में क्या जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है उनकी कंसेंट भी चाहिए क्या? रिमेनिंग पार्टनर के कंसेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पार्टनरशिप एट विल है। रिमेनिंग पार्टनर की तब चाहिए होगी जब सब जा रहे हैं, जो कि सेक्शन हमने किसमें पढ़ा, 40 में एग्रीमेंट। यहाँ तो एक ही जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर की क्या, उनको बस बताना है, नोटिस देना है, सिर्फ काम चल जाएगा। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है, एक केस में पार्टनर ने नोटिस भी नहीं दिया, पार्टनर ने सीधा क्या समन सर्व कर दिए कोर्ट के, समन सर्व्ड कर दिए, ठीक है, कोर्ट से समन सर्व करवा दिए, और जब कोर्ट ने समन सर्व कर दिए, इट वॉज कंसीडर, ये माना गया कि इट इज अ पार्टनरशिप एट विल, और वहां पे वैसे पार्टनरशिप में ऐसा कोई सर्टेन टाइम पीरियड नहीं था पार्टनरशिप का, तो समन जैसे सर्व्ड, इट वॉज कंसीडर एज अ डीम टू बी अ, कि हाँ उनको नोटिस आ गया, क्योंकि नोटिस देना पड़ेगा ना यहाँ पर पार्टनरशिप एट विल में,
तो इन सच के द सर्विस ऑफ समवन विल डीम टू बी अ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस, इसको कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस कहा गया, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस अभी हमने पढ़ा ना, या तो डेट मेंशन कर दी जाए किस डेट से आपको पार्टनर नहीं रहेंगे आप, या कम्युनिकेशन जिस दिन से उसको पता चले अदर पार्टनर्स को भी हाँ ये पार्टनर नहीं है, तो कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस माना गया समन को सर्व होना, सर्विस ऑफ समन इट वॉज कंसिडर एज अ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस फॉर द डिसोल्यूशन, और उस दिन से जिस दिन समन सर्वड हुए उस दिन को मान लिया गया इट इज अ डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, व्हेन द समन हैज बीन सर्वड, जिस दिन समन सर्वड हुए, केस का नाम आप जरूर लिख लेना, बनारसी दास वर्सेस काशीराम, बनारसी दास वर्सेस काशीराम 1963। हाँ जी, तो यहाँ पे जो पार्टनर अपना नोटिस दे रहा है तो वो पूरी फॉर्म को क्यों डिसॉल्व कर रहा है, वो रिटायर, उसको कोर्ट मतलब रिटायरमेंट भी तो हो सकता है, होता क्या है वो नोटिस, तो मैं पार्टनरशिप एडविल में वो नोटिस देता है कि मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ, उसके कहने से फर्म डिसॉल्व नहीं हो जाती ना, वो कोर्ट हाँ, जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा या नोटिस हुए ना कोर्ट में जाएगा, कोर्ट कहेगी भैया तुम तो जा रहे हो ना, तीन पार्टनर एक जा रहा है तो फर्म को क्यों डिसॉल्व की जाए, तुम लेकिन जा अगर दो ही है, की जाए? दो ही पार्टनर है, एक ने नोटिस दे दिया तो फिर वो तो डिसॉल्व ही हो जाएगी ना। हाँ वो तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन है, ए और बी दो ही पार्टनर है, ये जाता है तो अकेला थोड़ी ना चला सकता, वो तो ऑटोमेटिकली ये वाला सिचुएशन, ये सिचुएशन से कंपलसरी रिजोल्यूशन में क्यों नहीं लिखा, मतलब इसमें या प्रेजेंट कंपलसरी में कि जहां पर दो हैं और एक ने या तो रिटायर ले लिया या डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट, ये वाली बात तो कहीं लिखी नहीं है, पहली बात दिस इज इंप्लाइड, ये बेरेक में पूरे बेरेक को देख लेना कि कहीं दो पार्टनर एक चला जाता है, लिखा ही नहीं है, सारी चीज थोड़ी ना लिख देते हम, 1932 से आज तक कितनी चीजें चेंज हुई है, अभी तो आपको मैं एक ऐसी बात भी बताऊंगा जहां पर ये वाली सिचुएशन पे ही है वो, कि दो पार्टनर थे एक चला जाता है, जब एक चला जाता है तो क्या एक कंटिन्यू कर सकता है पार्टनर बी के लीगल हेयर्स के साथ? नो सर, बिल्कुल यस कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। हाँ जी, एक लीगल हेयर इज अ मेजर पर्सन, दोबारा बोलिए क्या कह रहे हैं हमने, एक लीगल हेयर इज अ मेजर पर्सन देन यस। हाँ माइनर तो ऑफ कोर्स ही बात है, माइनर के साथ नहीं करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 1988 का है, उससे पहले नहीं कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जब ए है, ए अकेला रह गया, लेकिन इसके बीच में ए और बी के बीच में पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था कि मेरे बनने के बाद मेरे लीगल हेयर्स को प्लेस कर दिए जाएंगे, बहुत सारे कोर्ट की डिफरेंट ओपिनियन थी लेकिन 1988 में इस बात को क्लियर कर दिया गया कि ठीक है भाई अब ये कर सकता है, पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी, ठीक है तो कंटिन्यू रख दी गई, और लेकिन बशर्ते ऑफ कोर्स ही बात है बी माइनर नहीं होना चाहिए, अगर ये माइनर है तो माइनर को तो हम एनरोल कर ही नहीं सकते एज अ पार्टनर, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी ओनली, बी का जो लीगल एयर है वो माइनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हैं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ी ना खत्म कर देंगे पार्टनरशिप का, ए और बी दो मेजर लोग होने चाहिए, और बी का जो लीगल एयर है, लीगल एयर जो है वो भी मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अगर ये माइनर है तो ही कैन, तब तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो ही रही है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, हमने पढ़ा ना पार्टनरशिप में सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट कहता है बी के मरने के बाद ये पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी, तो रहेगी बशर्ते उसका लीगल एयर होना चाहिए, अगर लीगल एयर मेजर है तभी वो पार्टनर हो सकता, वो माइनर है तो पार्टनर नहीं हो सकता, और ए अकेला बच गया, कोई ऐसा क्लॉज था ही नहीं, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखी नहीं होती बैरेट में भी, वो जजमेंट से आती है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखो एक बात और बताता हूं मैं आपको, ना ही सेक्शन 41, 42, 43, ना ही सेक्शन 41, 42 ना 43 इस बारे में कहीं बताता है कि अगर ए बी सी डी चार पार्टनर है, ए रिटायर कर गया, बी कर गया, तीन कर गया, डी बचा, ये कहता ही नहीं है कि डी कैन कंटिन्यू और नॉट,
बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर डी ही बचा, सिर्फ अकेला पार्टनर बचा है, और अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि डी अकेला बचता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टनरशिप कंटिन्यू हो सकता है विद एनी थर्ड न्यू पार्टनर। तो अगर ऐसा नहीं लिखा है तो ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं इनएविटेबल, इनएविटेबल डिसोल्यूशन। जब ये तीन ही मेजर लोग, चार मेजोरिटी ही रिटायर कर चुकी है, अकेला आदमी क्या करेगा, अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। बट इट इज साइलेंट अबाउट इट, ऐसा कहीं सेक्शन 142 कहीं नहीं लिखा, ठीक है। बट डी क्या कर सकता है, डी डेफिनेटली एक न्यू पार्टनर को ऐड कर सकता है, अगर इनके एग्रीमेंट में लिखा है, इनके एग्रीमेंट में पहले लिखा था कि वो रिमेनिंग पार्टनर जो होगा ही कैन ऐड न्यू पार्टनर, नया पार्टनर ऐड करेगा। अब जब नया पार्टनर ऐड करता है रिमेनिंग, तो क्या पुरानी फर्म कंटिन्यू हुई, लॉजिक बताना, ऐसे जैसे बैरेट में नहीं लिखी हुई है। अगर ये नया पार्टनर ऐड करता है, इज इट अ ओल्ड पार्टनरशिप और न्यू पार्टनरशिप, इज इट द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? यस यस सर, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, इट इज अ न्यू पार्टनरशिप। द मोमेंट डी विल एडिंग अ न्यू पार्टनर टू रन अ बिजनेस, टू रन अ ओल्ड बिजनेस, देन द कोर्ट विल नॉट से इट इज अ ओल्ड पार्टनरशिप, इट इज अ न्यू पार्टनरशिप, बिकॉज यहाँ पे इनकमिंग पार्टनर हुआ है। इनकमिंग हुआ है तो 31 क्या कहता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, बशर्त उनके एग्रीमेंट में कुछ और लिखा हो कि हाँ भाई ठीक है, जो एक रह जाएगा वो पार्टनरशिप कंटिन्यू रख सकता है, तो इट वुड बी कंसीडर्ड अ न्यू पार्टनरशिप। और न्यू पार्टनरशिप इसको इसलिए यहाँ पे कंसीडर किया गया क्योंकि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी देखनी पड़ती है, इसलिए पुरानी पे लायबिलिटी थोड़ी ना ठहराएंगे, तो नई पार्टनरशिप मानी गई है इसको। आई डू दैट, लॉट ऑफ केसेस हैं, अभी तो हम रजिस्ट्रेशन पे आएंगे ना, तो आखिरकार रजिस्ट्रेशन के क्या परिणाम निकलते हैं वो भी चीजें हम पढ़ेंगे, और ना रजिस्ट्रेशन कराने के क्या परिणाम निकलते हैं, दैट वी हैव टू सी इट, हैव टू, ठीक है। और कोर्ट ने इस बात को कहा कि रिमेनिंग पार्टनर, अगर एक पार्टनर बचा, जैसे डी बचा था लास्ट सिचुएशन में, डी क्या कर सकता, डी और बाकी रिमेनिंग पार्टनर जो गए हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, तो डी जो कंटिन्यू कर सकता है नए वाले पार्टनर के साथ, वो वैलिड होगा इस तरीके का अगर एग्रीमेंट है तो, ठीक है। केस का नाम भी बता देता हूं मैं, ये कौन सा केस था, इट वॉज इन दी हेड अब्बास भाई, यहां लिख देता हूं मैं ये केस, अब्बास भाई वर्सेस आर जी शाह, the year of 1988. तो D ने इसमें न्यू पार्टनर के साथ कंटिन्यू करा, कोर्ट ने कहा वैलिड है अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो, ठीक है। अब डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट देख लेते हैं, कोर्ट कब कब डिसोल्व करेगी, सेक्शन 44 Dissolution by the court. चलो dissolution by, अब court dissolve कर रही है, how many grounds? We have 7 grounds. Court कब कब dissolve कर सकती है? अब ये 7 grounds जो दे रखे हैं ये court के पास, अब ये 7 grounds हैं, court को उचित लगता है, बिल्कुल definitely court can डिक्लेयर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, लेकिन इसमें होगा क्या? अब सपोज ए बी सी चार पार्टनर्स हैं, चार में से सिर्फ एक ही ना खुश है या दो ना खुश है, ठीक है, तो ये सूट फाइल करेंगे, सूट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसॉल्व कर दिया जाए। अब कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है, किन किन ग्राउंड पे कर सकती है वो क्विकली देख लेते हैं। पहला ग्राउंड क्या था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंड हो जाए। अब अनसाउंड माइंड पार्टनर हुआ है तो इसके भी आप पे कौन सूट फाइल करेगा? भाई मैं अगर अनसाउंड माइंड हो गया मैं तो सूट फाइल नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे भी आप पे मेरा नेक्स्ट फ्रेंड करेगा, ठीक है। मेरा कोई फ्रेंड हो सकता है, लीगल एयर्स हो सकते हैं, वो फाइल करेंगे सूट,
कि भैया ये तो काम कर नहीं पाएगा, अनसाउंड माइंड हो गया, तो उसको पार्टनर क्यों रहा जाए, क्योंकि पार्टनर में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, अनसाउंड रहेगा तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी जुड़ी रहेगी, बेटर है कि इसको खत्म करवाया जाए फर्म को, क्योंकि वो पागल हो चुका है। ठीक है, सेकेंड आता है परमानेंटली इनकैपेबल, परमानेंटली इनकैपेबल। हाँ जी सर, इन द फर्स्ट सिचुएशन कैन अदर पार्टनर आल्सो सू? अदर पार्टनर नहीं नहीं नहीं, ये जो राइट है ना, ये सूट का जो फाइल है, जो पागल हुआ है वो करेगा। ठीक है, अदर पार्टनर नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। देखो अगर आप बैरेट को पढ़ेंगे ना, द कोर्ट मे डिसॉल्व अ फर्म ऑन एनी ऑफ द, देखो एक चीज और बता दो इसका लॉजिक भी क्या है, अनसाउंड माइंड अगर डोरमेंट पार्टनर हो जाए तो अगर कोई जो डोरमेंट पार्टनर है वो पागल हो जाए तो वो तो कुछ पहले भी नहीं करता था, उसके पागल होने से क्या होगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, आंसर इज नो। ठीक है, तो सिचुएशन फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, बट ये जो आप ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सूट फाइल कर रहा है, सूट वो फाइल कर रहा है जो अनसाउंड हुआ है। अगर आप बैरिक पढ़ोगे, द कोर्ट में डिसॉल्व फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, नेमली दैट द पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड, इन विच केस द सूट मे बी ब्रॉट एज वेल एज बाय द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द पार्टनर Who has become of unsound mind as by any other partner? आपका जो लॉजिक है यामिनी, आपकी जो बात है वो हम देख सकते हैं, कवर करना चाहें तो वो जी में कर सकते हैं, 44 का जी, 44 का जी में क्या लिखा, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, कोर्ट को उचित लगता है तो, बट नॉट इन दिस ग्राउंड, दिस क्लॉज 44 का सबसेक्शन ए जो है ना, इसमें नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके सर। देखो अल्टीमेटली ऑफ कोर्स ही बात है भाई, सारे पागल हो जाए या दो पागल हो गए, तीन में से दो पागल हो, फर्म कैसे चलेगी? लेकिन फर्म में एक क्लॉज भी आपने पढ़ा पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप कैन बी रन बाय द एक्टिंग फॉर ऑल एनी ऑफ देम, कोई भी चला सकता है एक्टिंग फॉर ऑल, बट अगर अल्टीमेटली चल ही नहीं पा रही है तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। डेफिनेटली वो कह सकता है भाई मैं अकेला बाहर ले रहा हूँ, फायदा सबको मिल रहा है, दो लोग पागल है मैं ही काम करता हूँ और फायदा उनको भी मिल रहा है, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। कोर्ट में जाइए, कोर्ट में कहिए दो लोग पागल हो गए हैं, कोर्ट कर देगा जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड पे। ठीक है, लेकिन परमानेंटली इनकैपेबल होना, सेकंड में हम पढ़ रहे हैं परमानेंटली इनकैपेबल, यानी उसका प्रॉपरली ऐसा नहीं हो कि वो क्योरेबल, अगर चीज है फ्रैक्चर हुआ, हार्ट टूट गया, अरे हार्ट टूट गया तो जुड़ जाएगा ना कुछ दिनों बाद, तो दैट शुड नॉट बी द ग्राउंड। थर्ड में आपको बहुत डिटेल में समझा भी चुका हूं, थर्ड में हमने बात करी है पार्टनर अदर देन द पार्टनर शोइंग इज गिल्टी ऑफ द कंडक्ट, गिल्टी ऑफ कंडक्ट, वो ऐसा व्यवहार करता है जो कहीं ना कहीं बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है, लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडिशियली द कैरिंग ऑफ द बिजनेस, रिगार्ड हैज बीन हैड टू द नेचर ऑफ द बिजनेस, इस चीज को भी देखना पड़ेगा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। उसका अफेयर है, उसकी दो चार गर्लफ्रेंड है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है बिजनेस को, अगर बिजनेस का नेचर ट्रेडिंग का है। ठीक है, तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, मैं आपको समझा चुका हूं, आई होप ये समझ भी आ गया होगा। हाँ, अगर वो गिल्टी है, क्या कर रहा है, एडल्ट्रस एक्ट करता है या एडल्ट्री करता है, ये सारी चीजें क्या है, फेथ नहीं रहेगा। किसी भी तरीके का बिजनेस होकर पार्टनर की ही वाइफ के साथ वो एडल्ट्री करता है, हम ऑलरेडी केस भी कर चुके हैं अबॉट वर्सेस क्रम्प, उस केस में हमने देखा एडल्ट्री इज अ ग्राउंड दैट द फर्म शुड बी डिसॉल्व बिकॉज इट्स अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, फोर्थ हमने देखा था द पार्टनर अदर देन द पार्टनर शोइंग, ये केस लिख लेना यहाँ पर, नहीं ठीक है, अबॉट का जो था Abbott versus Crumpy है ना? Yes sir। और एक और केस था बताइए जिसके अंदर वो टिकट के बिगर चला जाता है, ट्रैवल टिकट, Carnegie versus Evans, Evans लिख रहा हूँ, मेरे को पूरा नाम नहीं पता, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट सा नेम है, ट्रैवल बाकी आपके लेक्चर्स में है सारी, मैं बता भी दूंगा आपको, ट्रैवल विदाउट टिकट, तो इसको भी माना गया भैया ये कैसा आदमी है, तो विश्वास के लायक ही नहीं है, बाद में हमारे साथ भी फेथफुल नहीं रहेगा।
ओके फोर्थ में क्या लिखा था, द पार्टनर अदर देन द पार्टनर शोइंग विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ब्रीच करता है एग्रीमेंट में जो चीजें लिखी हैं। इसमें हम क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं, कॉपरेट नहीं करता है। अब जैसे एक केस था, केस का नाम है, ठीक है, पहले मैं वाला केस बता देता हूँ जो उसकी इवेंट्स वाला केस था ना, दैट इज अ कार्मिशल, सी ए आर एम आई कार्मिशल वर्सेस इवेंट्स 1901 का केस है, ठीक है, 1904। चलो पहले इसको कर लेते हैं, फिर इन पे भी एक एक केस में बता दूंगा। ब्रीच करता है एग्रीमेंट को ब्रीच करता है, जो पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक केस कर लेते हैं, हैरिसन वर्सेस टेनेंट। इस केस में वो म्यूचुअल कंसेंट से काम नहीं कर रहा है, ही वॉज नॉट एग्रिंग टू सेटल द डिस्प्यूट विद द म्यूचुअल कंसेंट, क्योंकि म्यूचुअली अगर वो कंसेंट से सारी चीज को सेटल कर ले, दैट इज अ गुड, इनके एग्रीमेंट में लिखा था थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट विद द म्यूचुअल कंसेंट बट इज नॉट एग्रिंग विद इट, दैट मीन्स इज अ ब्रीचिंग द एग्रीमेंट। हैरिसन वर्सेस टेनेंट 1856। और क्या क्या चीज हो सकते हैं जो फोर्थ में हम कवर कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट में, इसमें मैंने आपको बताया था एनोनियस अकाउंट बनाता है। एनोनियस अकाउंट क्या होते हैं, भाई वहां से थर्ड पार्टी से तो डील करता है 100 रुपीज की, फर्म में दिखाता है 150 रुपए की, 50 रुपए अपने पास रख लेता है, एनोनियस अकाउंट झूठे दिखाता है, मना कर देता है कि मैं रेंडर नहीं करूंगा अकाउंट, रिफ्यूजल फॉर द रेंडर ऑफ अकाउंट, रिफ्यूजल फॉर रेंडरिंग ऑफ अकाउंट, उससे अकाउंट मांगते हैं अकाउंट नहीं दिखाता है, छुपाता है, लगातार लड़ता रहता है, क्वारलिंग विद द अदर पर्सन, क्वारलिंग विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ लड़ता है, उसका व्यवहार इतना गंदा हो चुका है, बिजनेस को लॉस पहुंचा रहा है, मिसयूज करता है पार्टनरशिप के फंड को, मिसयूज पार्टनरशिप फंड, पार्टनरशिप के फंड को क्या करता है, पार्टनरशिप के फंड से अपने पर्सनल डेट्स पे कर देता है, मिसअप्रोप्रिएशन, ये सारी चीजें हमारी क्या है, को पार्टनरशिप जब हम करते हैं तो कॉमन एडवांटेज होना चाहिए ना, हमने सारे ये बेसिक प्रोविजन पढ़े हैं, पर्सनल डेट पे कर देता है, जब पैसे देने की बात आती है, जब उससे कहते हैं भैया हमें एडिशनल कैपिटल चाहिए होगी, एडिशनल कैपिटल चाहिए होगी, मना कर देता है, या दूसरे के बिजनेस की कैपिटल को कहीं और लगाता है, तो दीज ऑल आर द थिंग्स ब्रीचिंग द एग्रीमेंट, इट्स अ वेरी वाइड टर्मिनोलॉजी, काफी चीजें कवर किए जा सकते हैं। क्वेरलिंग के आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ कस्टमर से भी लड़ता है, थर्ड पार्टी से लड़ता है, अरे हमने इतनी मुश्किल से गुडविल बनाई है उनसे लड़ रहा है, होते हैं लोग ऐसे, ठीक है, मैं तो पार्टनरशिप में रहा हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके का बिहेवियर रहता है लोगों का, अगर पार्टनरशिप में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आता है ना तो काम करने का मन नहीं करता। ठीक है, और परमानेंट इनकैपेसिटी जो हमने लिखी थी इस पे केस कर लेते हैं, केस का नाम था, जैसे परमानेंट कैपेसिटी क्या हो सकती है, लगातार बीमार है, काम ही नहीं कर पा रहा है, मेंटल या फिजिकल भी हो सकती है चीजें, डिसेबलमेंट हो सकता है, इलनेस ऐसी है, फिजिकल प्रॉब्लम है, नहीं काम कर पाएगा। ये केस था व्हाइटवेल वर्सेस आर्थर, व्हाइटवेल वर्सेस आर्थर, ARTHUR, आर्थर 1850 से 1865। अब इस केस में मैंने आपको बताया ये परमानेंट होनी चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है, परमानेंट, परमानेंट इन द सेंस
जैसे एक इस केस में पैरालिटिकल अटैक आया था किसी को, एक पार्टनर को पैरालिटिकल अटैक आया, पैरालिटिक अटैक, बट जब उसने सूट फाइल करा दूसरे पार्टनर ने कि भैया इसको परमानेंट इनकैपेबल हो गया तो ये कर नहीं पाएगा काम, तो ड्यूरिंग दिस पैसेज ऑफ द टाइम जैसे ही सूट डिसाइड होने से पहले ही कोर्ट ने देखा कि भैया ये तो रिकवरी इतनी इजिली हो रही है इसकी, तो ही कैन इजिली रिकवर, उसकी कंडीशन ठीक हो रही है, तो ये परमानेंट कहाँ रहा, तो कोर्ट ने मना कर दिया, डिसॉल्व नहीं होगी फॉर्म। देयर वाज अ साइन ऑफ इंप्रूवमेंट इन हर हेल्थ, उसकी हेल्थ ठीक हो रही थी, तो कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है, एंड देयरफॉर परमानेंट होना चाहिए इनकैपेबल, ठीक है। मैंने आपको इसमें अनसाउंड वाले में बता दिया था डोरमेंट वाली बात, ठीक है, डोरमेंट, अगर कोई इंसान डोरमेंट है उसकी इंसैनिटी से इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सारे अनसाउंड माइंड हो जाएं तो फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट को भी देखना पड़ता है कि एक फ्लरिश है, बिजनेस बहुत अच्छा प्रोस्पेरसली काम कर रहा है, तो उसको बंद करना ठीक नहीं है, तो कोर्ट मना कर सकती है यहाँ पर। मिसकंडक्ट पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिजनेस मिसकंडक्ट ये वाले केस लिख देना, एबॉट वर्सेस क्रम एंड कार्मिशेल वर्सेस इवेंस, तो हर पॉइंट पे मैंने आपको बता भी दिया क्या क्या आप लिख सकते हैं। ई देख लेते हैं, ई में क्या लिखा है, चलो ई तो बहुत सिंपल सा है, उसमें कुछ है नहीं इंटरप्रिटेशन, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर्स, ट्रांसफर कर देता है इंटरेस्ट, या फिर वो ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 49 उसमें क्या करता है, चार्ज क्रिएट कर देता है अपनी प्रॉपर्टी पे, पार्टनर जो उसका शेयर है पार्टनरशिप फर्म में उसमें चार्ज क्रिएट कर देता है। एंड इसमें और क्या लिखा है लास्ट में, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, रिकवरी उसको गवर्नमेंट को कुछ रिवेन्यू उसका एरियर्स है, उस एरियर को वो कैसे पे कर रहा है, हैज अलाउड टू बी सोल्ड इन द, ठीक है, वो अपना इंटरेस्ट जो है पार्टनरशिप में वो इन द फॉर्म ऑफ एरियर के फॉर्म में जो उसको पे करना है, जो उसके ड्यूज है वो रिकवरी करवा देता है, तो ये सब सी के ग्राउंड यहाँ पर कंपल्सरी डिसोल्यूशन। एफ में cannot be, business नहीं चल सकता क्योंकि business को काफी loss हो रहा है, अब जब of course ही बात है loss के लिए थोड़ी ना business हमने start किया है, that has to be for the profit only, अब profit नहीं हो रहा तो बंद किया जा सकता है, तो कोई भी partner dissolution के लिए जा सकता है। It was held in the case of Jennings versus Bedley, BADDELEY, Bedley, 1856, तो एनी पार्टनर कैन गो फॉर द डिसोल्यूशन इफ द फर्म इज परसिस्टेंटली नॉट एबल टू गेट द प्रॉफिट बट लॉस में चल रही है, ठीक है, एंड द जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, जी जी में हम पढ़ेंगे जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, अब कोर्ट को जो उचित लगे, बहुत सारी चीजें नहीं लिख पाएंगे तो इसलिए जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड कोर्ट को दे दिया गया है कि कोर्ट को जो उचित लगे, कोर्ट को लगता है कि फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, द कोर्ट कैन डू इट, इट इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कोर्ट को अगर लगता है कहीं और कुछ फॉलो नहीं हो रहा तो कोर्ट को लगेगा तो बिल्कुल डेफिनेटली दे कैन डिसॉल्व इट, डिस्क्रिशनरी पावर है बट डिस्क्रिशनरी पावर हैज टू बी यूज वाइसली, ढंग से इस्तेमाल की जाए, जर्नल इंटरेस्ट देख लिया जाए और पार्टनर्स का, जर्नल इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टनर, ऐसा नहीं ना कि भाई एक पार्टनर चाहता है डिसॉल्व कर दे तो कर देगी कोर्ट, ऐसा नहीं होता, अरे औरों के फायदा, मैंने आपको ना एक बिजनेस ऑलरेडी फ्लरिश कर रहा है, एक पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा तो एक पार्टनर के कहने से थोड़ी ना डिसॉल्व हो जाएगा बिजनेस, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो माइनॉरिटीज में जैसे 10 पार्टनर है, एक डेडलॉक आ जाता है कई बार ना बिजनेस में, डेडलॉक आ जाता है, डेडलॉक का मतलब क्या है, यहाँ पर
माना कि 10 में से 4 पार्टनर ऐसे हैं वो बिजनेस को चाहते हैं, वो ना चलाना नहीं चाहते, 6 चलाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मेजोरिटी की बात मानी जाएगी। कोर्ट को देखना पड़ेगा ये 4 लोग क्यों नहीं चाहते हैं, तो दैट कैन बी अ डेडलॉक, स्थिति नहीं बन पा रही है कि बिजनेस चले ना चले, तो इस सिचुएशन में माइनॉरिटी की बात भी सुन सकती है कोर्ट। ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी हमेशा ठीक होती है, तो कोर्ट हैज टू डिसाइड। ठीक है, ओके, चलो अब पढ़ते हैं हम, यहां से हमारा ये खत्म हो गया, आगे चलते हैं 45 ऑनवर्ड्स। ये भी बहुत टेक्निकल सेक्शन है, इनको हम करते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन, जो ई पॉइंट है वहां पर जो ट्रांसफर कर रहा है, इस ट्रांसफर में और सेक्शन 29 के ट्रांसफर में क्या फर्क है? सेक्शन 29 वहां पे भी तो वो अपना ट्रांसफर इंटरेस्ट कर रहा है, पर यहां पे होल लिखा हुआ है। अरे सेक्शन 29 में जो है वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है बिल्कुल, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर करेगा ना, वहां पर भी कंसेंट के साथ करेगा। हाँ वहां तो कंसेंट के साथ ही करेगा भाई, एक बार बताओ थर्ड पार्टी को कैसे एंटर करा दें, लेकिन अगर वो किसी को करता है तो वो उसका राइट क्या होता थर्ड पार्टनर का, जिसको हमने इंटरेस्ट अपना ट्रांसफर करा है, जब थर्ड पार्टनर आउटसाइडर बन गया ना, वो आउटसाइडर हमारे उसमें थोड़ी ना एंटर करेगा, उसमें वो बुक्स नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, बस वो प्रॉफिट लेगा। ठीक है, उसको हम सब पार्टनर के तरीके से ट्रीट करते हैं, पार्टनर का भी पार्टनर, और उसने अपना इंटरेस्ट शेयर ट्रांसफर कर दिया। अब एक किसका रिलेशन ना आगे वाले सेक्शन से भी है, जब एक पार्टनर अपना, जब हम नया पार्टनर एंटर कराते हैं तो नया पार्टनर कई बार प्रीमियम पे करके भी आता है, चलो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है ऑल टुगेदर, आई डिस्कस इट लेटर ऑन, अभी हम पढ़ेंगे बैरेज। तो यहाँ पर वो ट्रांसफर कर रहा है विदाउट द इंटरेस्ट, देखो विद द इंटरेस्ट हो रहा है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, जब दूसरे पार्टनर एग्री है तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसने विदाउट एनी कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर अगर ट्रांसफर कर दिया अपना इंटरेस्ट टू द थर्ड पार्टी, देन ऑफ कोर्स ऑब्जेक्शन आएगा, डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट विद द सेक्शन 45 ऑनवर्ड्स। यहां से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वाइंडिंग अ प्रोसेस, क्योंकि फर्म तो डिसॉल्व हो गई, अब डिसॉल्व हो गई तो डिसॉल्व होने से थोड़ी ना काम चलेगा, अभी तो वाइंडिंग अप होगी, शेयर को बांटा जाएगा। So let's start with it. So liability for the act of the partners done after dissolution. Liability क्या रहेगी partners की dissolution के बाद भी? हाँ जी, क्या क्या liabilities रहेगी? Dissolution तो हो गया, लेकिन dissolution से मैंने आपको बताया था winding up तक का period में भी तो liabilities होती है भाई, liabilities pay करो, जो contract perform करने है वो pay करो, third party को जिसको dues है उसके pay करो, creditor के pay करो, ये सारी चीजें होंगी। So notwithstanding the dissolution of the firm, the partners, chahe dissolution ho jaye firm, the partner continue to be liable, partner liable rahenge as to the third parties for act done by any of them, jo bhi koi act karega, which would have been an act of the firm, mano ke wo firm ka act hota, if it is done before the dissolution, theek hai, to dissolution se pehle, mano ke dissolution se pehle act aapne kiya ho, to isliye डिसोल्यूशन के बाद भी आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी जब तक वाइंड अप ना हो जाए, और अंटिल द पब्लिक नोटिस गिवन ऑफ द डिसोल्यूशन। यहाँ पे होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल भी अप्लाई हो रहा है, यू हैव टू गिव अ पब्लिक नोटिस कि भाई हमारा फर्म डिसॉल्व हो चुका है, इफ अ थर्ड पार्टनर इज डिसोल्यूशन। नोटिस देने का ये फायदा होगा कि भाई हाँ, अगर नोटिस दे देते हैं हम, अगर उसके बाद भी कोई पार्टनर थर्ड पार्टी से पर्सनल लेवल पर जाकर मिल रहा है तो फर्म लायबल नहीं होगी। ठीक है, नोटिस का ये फायदा होगा। नाउ प्रोवाइडेड द एस्टेट ऑफ द पार्टनर हु डाइस, अगर कोई इंसान मर जाता है, जो मर जाता है, मरना अपने आप में एक नोटिस होता है, तो क्या उसकी स्टेट लायबल होगी? वैसे एक बात होता, जो मरता है, मरने से पहले जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे विद द थर्ड पार्टी, तो दैट हैज टू बी पेड, उसको पे करना पड़ेगा पूरा। मरने के बाद मरना अपने आप में नोटिस होता है, मरने के बाद कोई एक्ट अगर कोई लायबिलिटी है तो उसके लिए लायबल नहीं है, लेकिन मरने से पहले कोई लायबिलिटी थी उसको पे करनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड द स्टेट ऑफ द पार्टनर हु डाइज और हु इज एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट और द पार्टनर हु हैविंग बीन नोन टू द पर्सन डीलिंग विद द नॉट नोन टू बी द पर्सन डीलिंग विद द फर्म
टू बी अ पार्टनर, ना यही बात कर रहा है डोरमेंट पार्टनर की। तो डोरमेंट पार्टनर को नोटिस थोड़ी ना देना होता है, ना ही कोई जो इंसान मरता है, मरना भी अपने आप में एक नोटिस है, इंसॉल्वेंट भी, और एक अगर डोरमेंट पार्टनर है तो उसको नोटिस नहीं देना पड़ता। इज नॉट लायबल अंडर दिस सेक्शन फॉर द एक्ट डन आफ्टर द डेट ऑन विच ही सीजेस टू बी अ पार्टनर, वो लायबल नहीं होता जिस दिन पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, यानी डिसोल्यूशन के बाद और डिवाइडिंग अप तक ये लायबल नहीं होते। जो इंसॉल्वेंट है, जो डाइज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अपने आप में खत्म हो जाता है पार्टनरशिप इनके साथ, क्योंकि इंसॉल्वेंट आदमी से कैसे वसूला जाएगा, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, वो अपने आप में नोटिस है। ठीक है, 45 में नोटिस कौन देगा? नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 मे बी गिवन बाय एनी पार्टनर। अब नोटिस कौन देता है? देखो यहाँ रिटायर्ड की बात भी करी है, तो अगर कोई इंसान रिटायर्ड करता है तो या तो वो जो रिटायर्ड हो रहा है वो दे दे, या वो इंसान देगा नोटिस जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे। तो सेक्शन 32 का 3 एंड 33 भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नोटिस। और इसको इसलिए बनाया गया इस प्रोविजन को क्योंकि जो इंसान डिसोल्यूशन के बाद भी डील कर रहे होंगे फर्म से, उन्हें थोड़ी ना पता कि फर्म डिसॉल्व हो गई या नहीं हो गई। एटलीस्ट देयरफॉर यू हैव टू गिव अ नोटिस, नोटिस देना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट गिविंग अ नोटिस, If you're not giving a notice, then the firm is liable. अब एक चीज हमने केस ऑलरेडी इस पर हम कर चुके थे, आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दैट केस एंड आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग इट। केस का नाम था टॉवर कैबिनेट वर्सेस इंग्राम, टावर कैबिनेट वर्सेस इंग्राम। बताएंगे क्या केस था ये? और जो इंग्राम था वो एक डोरमेंट पार्टनर था। नोटिस की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 45 क्या कहता है? अरे डोरमेंट आदमी को तो वैसे ही नहीं जानते तो नोटिस काहे का देना, ठीक है। और क्रिसमस ने वही पुराने पेपर यूज करे, क्रिसमस अपना पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखता, तो इंग्राम इज नॉट लायबल, ठीक है। ठीक है, तो जो लोग जो थर्ड पार्टीज हैं, अगर थर्ड पार्टीज को ये पता ही नहीं है कि भैया कौन कौन पार्टनर थे, कौन कौन पार्टनर थे, मैं थे की बात कर रहा हूँ पास्ट में, सपोज करो क्रिसमस और इंग्राम, थर्ड पार्टी ऑलवेज यूज टू डील विद दी क्रिसमस, इंग्राम वॉज नेवर इन द पिक्चर, तो इट इज इसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बट अगर हाँ इंग्राम भी को भी थर्ड पार्टी इंग्राम के बारे में भी जानती थी और शुरू से वो इन्हीं के साथ डील करती थी, क्रिसमस और इंग्राम दोनों को अच्छे से जानती थी, इनकी गुडविल थी मार्केट में, दोनों अच्छे पार्टनर है, और इफ द इंग्राम इज गोइंग आउट एंड इफ द इज नॉट गिविंग एनी नोटिस, देन द थर्ड पार्टी कैन हैड लायबल टू इंग्राम, इंग्राम को फिर लायबल ठहराया जा सकता था, ठीक है। 45 में यही है। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द 46। 46 क्या कहता है? राइट ऑफ द पार्टनर टू हैव अ बिजनेस वाइंड अप, राइट ऑफ द पार्टनर टू हैव बिजनेस वाइंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद मैंने आपको बताया, डिसोल्यूशन से ऐसा नहीं कि आज बोल दिया डिसोल्यूशन तो सारी चीज आज ही खत्म हो जाएगी। डिसोल्यूशन के बाद वाइंडिंग अप तक का प्रोसेस काफी लेंथी प्रोसेस होता है, तो उस दौरान क्या राइट्स होंगे? राइट ऑफ द पार्टनर टू हैव वाइंडिंग अप, वो बिजनेस को वाइंडिंग अप कराएंगे जो पार्टनर्स होंगे। तो ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एवरी पार्टनर और इज रिप्रेजेंटेटिव, उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इज एंटाइटल्ड एज अगेंस्ट यू ऑल द पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ द डेट्स, यानी जो फर्म की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी या एसेट्स होती है, एसेट को अप्लाई करो, डेट पे करो और लाइबिलिटीज पे करो ऑफ द फर्म and the surplus, यानी पहले क्या होगा, पहले तो assets को realize होगी कि भैया asset है क्या क्या हमारे पास, उसके बाद liabilities पे होंगी, liabilities के बाद whatever is remains that is called surplus and the surplus has to be distributed among the remaining partners, among the partners। और अगर कोई partner मर चुका है, उसका LR place कर दिया गया था, then has to be given to the representative, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर राइट। राइट का मतलब एज पर देयर अग्रीमेंट। क्लियर है ये बात? अब वाइंडिंग अप में दो चीजें होती हैं, ध्यान रखना। वाइंडिंग अप में सबसे पहले एसेट्स को रियलाइजेशन होता है,
लिख देता हूँ आपके लिए शॉर्ट में, 46 में हम क्या करेंगे, ये अधिकार होगा हर पार्टनर का, भैया वाइंडिंग अप कराइए। डिसोल्यूशन हो गया, डिक्लेयर हो गया डिसोल्यूशन, ठीक है चलो अब वाइंडिंग अप कराइए। वाइंडिंग अप होगा, वाइंडिंग अप में सबसे पहले क्या चीज होगी, पहले एसेट जो उसको रियलाइज होगा, एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा। इसको रियलाइज करने के बाद सबसे पहले क्या होगी, लाइबिलिटीज पे की होगी, लाइबिलिटीज पे होंगी। लाइबिलिटीज के बाद वट एवर इज रिमेन दैट इज कॉल्ड सरप्लस, सरप्लस कहलाता है। फिर उसके बाद पार्टनर्स में डिवाइड होगा, व्हिचएवर इज दैट। अगर इनके बीच में कोई चीजें नहीं लिखी थी, देयर वाज नो एग्रीमेंट बट दे वर शेयरिंग द प्रॉफिट इक्वली, अगर ये इक्वली शेयर करते थे प्रॉफिट, तो जो भी इनका सरप्लस होगा इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, नाउ 47 क्या कहता है, 47 कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी यानी इनका भी अधिकार रहेगा फॉर द, ताकि वाइंडिंग अप करा सके। जैसे ही डिसोल्यूशन हो जाता है फर्म का, द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म, अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड द अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर कंटिन्यू notwithstanding the dissolution so far as may be necessary for the winding up of the affairs of the firm. अब ऐसा ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है, dissolution हो गया, पता चला firm बहुत ज्यादा loss में है, पता चल रहा है कि firm बहुत ज्यादा loss है, तो partners को proportionately पैसा लाना भी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे unlimited liabilities होती है, क्योंकि जो अभी तो वाइंडिंग अप होना है ना, वाइंडिंग अप में बहुत सारी चीजें थी जो हमें अभी डेटर्स को भी पे करना है, क्रेडिटर्स को हमें पे करना है, और सारी लायबिलिटी थी हमारे पास जो एसेट्स है उससे काम नहीं चलेगा, तो आपको और लाना पड़ सकता है अपने घर से भी, बिकॉज अभी वाइंडिंग अप होना बाकी है, वाइंडिंग अप द अफेयर ऑफ द फर्म एंड टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, बिगन जो शुरुआत की गई थी लेकिन अभी अनफिनिश्ड है, यानी यू हैव टू परफॉर्म योर रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो हमने थर्ड पार्टी से फर्म ने किया है, उनको कंप्लीट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बट नॉट अदरवाइज। अनकंप्लीट ट्रांजेक्शन को खत्म करना पड़ेगा पहले, नथिंग शुड बी रिमेन्ड, तो आपकी कंटिन्यूइंग अथॉरिटी रहेगी पार्टनरशिप में जब तक वाइंडिंग अप ना हो जाए। Provided the firm is no case bound by the act of the partner who has been adjudicated insolvent. मैं आपको already बता चुका हूँ, जिसका दिवालिया निकल चुका है उससे तो कोई वसूला जा ही नहीं सकता। And but this proviso does not affect the liability of the person who has after the adjudication represent himself. देखो क्या लिखा है, represent himself or knowingly permit himself to be represented the partner of the insolvent. एक insolvent जिसका निकल चुका है, वो partner था, लेकिन उस पार्टनर को, इंसॉल्वेंट पार्टनर को तीसरा इंसान ही कहता है कि हाँ ये पार्टनर है और मैं उसके बिहाफ पे, तो वो होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। बट दिस प्रोविजो डज नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन, यानी उस इंसान की लायबिलिटी होगी हु हैज आफ्टर द एडजुडिकेशन रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर ऑफ द इंसॉल्वेंट, तो होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नाउ अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमने एक बात पढ़ी, डिसोल्यूशन से पार्टनरशिप खत्म हो रही है, ठीक है, बट कुछ चीजें जो उन्होंने स्टार्ट की होंगी जो अभी खत्म नहीं हुए, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं है, दैट हैज टू बी डन, पहले उनको भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, जो चीजें रह गई हैं अभी अनसेटल्ड है उनको सेटल किया जाए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे दैट हैज टू बी परफॉर्म, कुछ क्रेडिटर को पेमेंट करनी है वो पे करनी पड़ेगी, देन ओनली इट वुड बी अ अल्टीमेटली वाइंडिंग अप होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब डिसोल्यूशन होता है फर्म उस दौरान कोई भी नया ऑर्डर प्लेस नहीं करेगी, बट जो ऑर्डर ऑलरेडी उनके गए हुए हैं वो तो पूरे करेगी ना। ठीक है, पार्टनर्स कैन नॉट गिव एनी न्यू ऑर्डर व्हाइल जब ये वाइंडिंग अप प्रोसेस चल रहा है डिसोल्यूशन के बाद, बट हाउएवर दे हैव टू परफॉर्म द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ 48 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट बिटवीन द पार्टनर्स, कैसे सेटलमेंट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने पढ़ा तो आप मुझे बता सकते हैं पहले।
चलो मैं आपसे एक फ्रेज पूछूंगा, इसका मतलब बताना मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे सेटल होंगे, वाइंडिंग अप हो रहा है ना प्रोसेस, कैसे सेटल होंगे। इन सेटलिंग द अकाउंट ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द फॉलोइंग रूल्स शैल सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स बी ऑब्जर्व्ड। अगर एग्रीमेंट लिखा है तो एज पर द एग्रीमेंट सेटल होंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं लिखा है तो इस ए और बी के हिसाब से होंगे। सबसे पहले क्या होंगे, लॉसेस पे किए जाएंगे इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल। नाउ यू कैन प्लीज टेल मी, ये पहला ए को आप कंप्लीट कर दीजिए, मुझे समझा दीजिए इसका मतलब क्या है। मैं पढ़ देता हूं उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहले क्या लिखा है, लॉसेस पे होंगे इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट। लॉसेस शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ द कैपिटल एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द प्रोपोर्शन इन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू मीन बाय, इससे आपको समझ में क्या आया 48 के बी ए से? हाँ जी, कौन बताएगा ये 48 का ए क्या है? सर, लॉसेस फर्स्ट टू बी सेट ऑफ बाय द प्रॉफिट, if profit is not sufficient then by the capital contributed by the partners, if it is also not sufficient then by the partners personally as per their proportionately contributing ratio। इसको मैं आपको एक example बताता हूँ, उससे समझ में आएगा, बहुत interesting बन जाएगा ये। सबसे पहले तो भैया आपके पास जो प्रॉफिट है सारे लॉसेस पे कीजिए, आपने जितना प्रॉफिट किया है उससे लॉसेस पे कीजिए, अगर उससे भी नहीं हो रहा तो अपनी कैपिटल लगाइए। और अगर डेफिशिएंसी इन कैपिटल है, अगर डेफिशिएंसी इन कैपिटल है, कैपिटल कम है, उसके बाद आपको क्या करेगा, लाना पड़ेगा अपने घर से। पार्टनर की जो रेशियो डिसाइडेड होगी एज पर द एग्रीमेंट, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट इक्वली, इफ देर इज नो एग्रीमेंट इक्वली। मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो एक चीज और समझना, यहाँ पे बैरेट में आपने अगर देखोगे सबसे पहले वहां पे क्या लिखा है, डेफिशिएंसी इन द कैपिटल लिखा है सेक्शन 48, लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कैसे इसको सेटलमेंट कैसे होगा अकाउंट्स का, ठीक है। सबसे पहले जो लॉसेस हैं, दैट हैज टू बी बेयर इक्वली, लॉसेस को डिवाइड होने चाहिए अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो। अगर एग्रीमेंट में लिखा है भैया हम तो लॉसेस, एक ऐसा भी हो सकता है एक पार्टनर कहता है मैं लॉस शेयर ही नहीं करूंगा, तो दैट हैज टू बी एज पर द एग्रीमेंट। बट इफ इट इज नॉट देन दिस रूल हैज टू बी अप्लाई, जो मैं भी लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब हम लॉसेस पे करेंगे तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कीजिए एबीसी तीन पार्टनर है, थ्री पार्टनर्स। अब इन्होंने अपनी कैपिटल किस प्रोपोर्शन में लगाई थी, इन्होंने एक ने लगाया था 25,000 रुपए, एक ने लगाया था 20,000 और एक ने लगाया था 5,000। टोटल कितनी कैपिटल थी बिजनेस की, 50,000, दैट वॉज अ टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस। अब टोटल कैपिटल तो थी 50,000 हो गए। अब इन्होंने जब अपने एसेट्स को रियलाइज किया तो इन्होंने देखा कि इनके पास सिर्फ 20,000 रुपए है, इनकी जो एसेट्स निकल के आई वो कितनी थी, 20,000 ही निकल के आई। तो दैट मीन्स अभी डेफिशिएंसी इन द कैपिटल कितनी है, नाउ द डेफिशिएंसी इन द कैपिटल इज 30,000, 30,000 रुपए कैपिटल की कमी। हमारी ओरिजिनल कैपिटल कितनी थी, 50,000 थी ना, ये ओरिजिनली कैपिटल वॉज 50,000, एबीसी तीनों का प्रपोर्शन ये था, हमने एसेट्स को रियलाइज करी एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, दैट इज कम, हमारी 20,000 के एसेट्स निकली। इसका मतलब क्या, अभी हमारे पास डेफिशिएंसी है, वर्ड लिखा है ना डेफिशिएंसी इन द कैपिटल, लॉसेस कॉमा डेफिशिएंसी इन द कैपिटल इंक्लूडिंग लिखा है वहां पर, तो 30,000 की कमी। अब हम क्या करेंगे, अगर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, इन तीनों से मंगाएंगे भैया 30,000 की कमी आई है हमारे पास, 10,000 रुपए ले आइए सब आप, ये हमारे पास आ गए 10,000 रुपए। अब कितने हो गए, हमारी कैपिटल हो गए 50,000। सबसे पहले तो देखो प्रॉफिट में से ही पे करेंगे, इफ देयर इज नो प्रॉफिट तब ये हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ऑफ कोर्स ही बात है, अगर प्रॉफिट है पहले से ही तो प्रॉफिट से पे करेंगे, इफ देयर इज नो प्रॉफिट देन वी विल फॉलो दिस रूल।
तो 50,000 रुपए आ गए हमारे पास। अब 50,000 रुपए के हिसाब से जो भी हमारे को पेमेंट करना है देन वी हैव टू पे। इस 50,000 से जो भी हमारे लॉसेस रहे होंगे वो हम पे करेंगे। सपोज करो इस 50,000 में से हमारी लाइबिलिटीज 40,000 की थी, वो हमने पे कर दी 40,000 रुपीज की हमने पे कर दी। अब रिमेनिंग कितना बचा, सरप्लस हमारे पास बचा 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपए बटेगा। अब 10,000 रुपए को कैसे बांटेंगे, अगर इनों के एग्रीमेंट्स में लिखा है उस हिसाब से, नहीं लिखा है तो इक्वली डिवाइड होगा। 10,000 को डिवाइड कर लो 3,300 रुपए व्हाटएवर इट इज, वो बटेगा इनमें। ठीक है, दैट इज अ प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ रियलाइजिंग ऑफ द एसेट्स एंड देन जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग, पेइंग द लॉस फर्स्ट। पहले लॉस फर्स्ट होगा आउट ऑफ द प्रॉफिट, इफ देयर इज नो प्रॉफिट देन इस प्रोसेस से हम करेंगे। डेफिशिएंसी इन द कैपिटल होगी पहले, उसको भरपाई होगी, उससे फिर पेमेंट जाएगी, उसके बाद व्हाटएवर इट रिमेंस। If there is no agreement, ये ध्यान रखना, if there is no agreement, अगर कोई agreement नहीं है तो। सर ये 50,000 जो ये profit है सर ये वाला? ये profit हाँ, ये तो deficiency थी ना, हमारे 30,000 रुपए की कमी आई थी capital में, deficiency in capital थी ये, कमी थी ना ये हमारी, हमारी capital कितनी थी originally 50,000 थी। Yes sir। 50,000 थी, जब हमने आज के time में एसेट्स को जब हमने काउंट करने गए तो हमारी एसेट्स निकली 20,000 की, 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया, घाटा हो गया एसेट्स में, एसेट भी तो कम हो वीक होती जाती है टाइम के साथ। यस सर। अब बचा 30,000 रुपए की कमी आ गई, डेफिशिएंसी हो गई इन कैपिटल, कैपिटल कमजोर पड़ गए हमारी। तो कैपिटल जब कम पड़ गई है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इक्वली प्रॉफिट करते होंगे तो इनसे मंगाएंगे 10,000 रुपए मंगाएंगे, तीनों पार्टनर 10-10 लेके आएंगे, तीनों पार्टनर 10-10 लेके आएंगे तो इक्वल 50,000 हो जाएंगे। ओरिजिनल लेवल पे आ गए हम, ये बराबर हो गए, लेकिन अभी भी हमारे को लॉस तो पे करना है। लॉसेस का मतलब क्या है, क्रेडिटर्स बैठे हुए हैं उनको पे करना है, ठीक है, और भी कई सारे बिल्स पे करने हैं। तो अब इस 50,000 में से कैपिटल में से देखो, प्रॉफिट है तो बात अलग है, प्रॉफिट है तो वहीं से पे करते, लेकिन इफ देयर इज नो प्रॉफिट देन वी हैव टू पे फ्रॉम द कैपिटल। अब ये 50,000 में से मैंने आपको कहा भाई 40,000 रुपए के हमने ये पे कर दिए, 20,000 के क्रेडिटर थे, 20,000 के बिल्स थे, वो हमने पे कर दिए, डेट्स से हमारे पे कर दिए, बचा कितना 10,000, 10,000 को डिवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड सरप्लस। अब ये 3,300 रुपए आ रहा है, यानी अब एक काम करो, देखो ये जो इंसान था 25,000 वाला, इसको 10,000 और देने पड़े, और 10,000 देने के बाद 3,300 रुपए आए, ये 5,000 रुपए लगा के बैठा था, इसको 10,000 रुपए करने पड़े और इसके बाद फिर 3,300 रुपए आ रहे हैं। तो दैट इज अ प्रॉपर वे ऑफ रियलाइजिंग द प्रॉपर्टी, फर्म को कैसे हम वाइंडिंग अप करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा है तो, अगर अगर एग्रीमेंट है वो तो एज पर एग्रीमेंट होगा, ठीक है। देखो अल्टीमेटली देखें, ये 25,000 लाया था, ये 20,000 लाया, तीसरा इंसान 5,000 लाया था, तो इनको यहाँ पे अगर कमी पड़ रही थी ना जब लॉसेस बेयर करने थे तो इसको कम देना चाहिए था, बट इन्होंने एग्रीमेंट नहीं लिखा था तो इसलिए ये वाला रूल फॉलो होगा। अगर इन्होंने एग्रीमेंट लिखा हुआ था तो उस हिसाब से होता। इज दैट क्लियर? हाँ जी। यस सर। ये जल्दी से कमान। तो एक बार आप पढ़ते हैं बेरेक दोबारा से। बेरेक में क्या लिखा था, लॉसेस, लॉसेस में क्या इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल। कैपिटल कितनी थी, 50,000 ओरिजिनली थी लेकिन कमी आ गई थी, कितनी कमी आ गई थी 30,000 की, इसलिए हमने मंगाए 10,000 रुपए। शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से पहले हम ये सारी चीजें पे करेंगे। इसको अगर थोड़ी देर के लिए आप नहीं समझे, ये वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, लॉसेस कॉमा शैल बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से लॉसेस जाएंगे, नेक्स्ट आउट ऑफ द कैपिटल, उसके बाद कैपिटल में से जाएंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो कहां से जाएंगे, कैपिटल में से जाएंगे, एंड लास्टली अगर कुछ नहीं बचा, कैपिटल भी नहीं है, लॉसेस भी नहीं है, और कैपिटल इतनी नहीं है कि हमारे सारे लॉसेस जो है बेयर कर सके, तब उससे कहेंगे भैया पार्टनर से, भैया अपने घर से लाइए, पार्टनर इंडिविजुअली इन द प्रोपोर्शन इन विच दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। जैसे वो प्रॉफिट को शेयर करते थे, अब वो क्या करेंगे, अपने घर से पैसा लाइए। इसको और मैं समझा देता हूँ दोबारा से, थोड़ा सा रह गया ये शेयर वाला। सपोज करो कैपिटल की डेफिशिएंसी हमने पूरी कर ली और हमारी लायबिलिटी 40 की ना होकर
ये 70,000 रुपए की होती, 70 की होती, 50 हमारा बराबर हो गया, 10-10 दिए 50 हो गए, तीनों ने 10-10 दिए 50 हो गए, लेकिन अभी भी कितने की कमी है, हमारी लाइबिलिटी है 70,000 रुपए की, इस क्रेडिटर को हमने देने 50,000 रुपए और एक को देने 20, यानी 70,000 की लाइबिलिटीज है। अब क्या करेंगे, कितने की डेफिशिएंसी आ रही है, 20,000 की डेफिशिएंसी आ रही है ना, तो ये इन पार्टनर से मंगाइए और कितना मंगाएंगे, 6500 के आसपास मंगाएंगे ना, वट एवर द अमाउंट इट वुड बी, लाइए भाई 6500 रुपए लाइए, इन लाइबिलिटी को पे करेंगे, तभी हम इसको बोलेंगे कंप्लीटली वाइंडिंग अप हो गया। क्लियर है, सारी सिचुएशन कवर कर लिए मैंने आपके लिए, समझ में आ गया? Yes, sir. अब हम आगे चलते हैं, इसका बी पढ़ते हैं, द एसेट्स ऑफ द फर्म, एसेट्स ऑफ द फर्म में क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड विद द पार्टनर टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वो भी एसेट्स होंगी जो अगर इंसान ने बाद में कैपिटल लगाई है, इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये वर्ड कहाँ पढ़ा था अभी आपने, आप डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, ये देखो ये लिखा हुआ ऊपर लिखा हुआ ना ए में, डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, वो भी एसेट बन जाएंगी, एंड शैल बी अप्लाइड, एंड शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर। कैसे अप्लाई होगी फिर, सबसे पहले क्या पे किया जाएगा, सबसे पहले पे किए जाएंगे थर्ड इंसान के कर्जे, जो भी हमने कर्जा लिया है थर्ड पार्टी से, उसके बाद क्या होगा, इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस। मैंने आपसे कहा था अगर कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो कई बार ऐसे पार्टनर होते हैं ना जो कहते हैं भाई ले मैं पार्टनरशिप में एक्स्ट्रा मनी लगा रहा हूँ, हम मांग सकते हैं, बाहर से मांगने से बढ़िया अपने पार्टनर से मांग लीजिए, तो कोई ऐसे पार्टनर होंगे जिन्होंने एडवांस दिया होगा, ठीक है, एक तो होती है ओरिजिनली कैपिटल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाद में किसी पार्टनर ने जरूरत के टाइम पे दिया होगा फर्म को, एडवांस दिए होंगे तो पहले उसकी पेमेंट होगी। अच्छा एक बात बताओ, कितने रेट ऑफ परसेंट इंटरेस्ट होता है, 6% आपने पढ़ा है ना, तो 6% होता है अगर उसने कोई और चीज नहीं लिखी है, तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भैया उसको पहले पेमेंट करो, उसके बाद इन पेइंग ऑफ ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ हिज कैपिटल, उसके बाद क्या पे करेंगे, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम, उसके बाद अगर किसी पार्टनर को कुछ लेन देन बचा है तो वो पे होगा आउट ऑफ द ऑन अकाउंट ऑफ द कैपिटल, एंड लास्टली इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है देन इट शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन द प्रोपोर्शन इन विच दे एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन क्या है ये, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जैसे शेयर करते थे जो कुछ बचा है प्रॉफिट तो डिवाइड होगा, अदरवाइज एज पर द एग्रीमेंट। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एक केस लिख लेते हैं छोटा सा, फिर उसके 49 पढ़ लेंगे। एक केस में ये कहा गया, एनबी सिंह वर्सेस सीआई कमिश्नर ऑफ इनकम ऑफ स्टेम्स, एनबी सिंह वर्सेस सीआई ऑफ स्टेम्स 1972. Now, in this case, the court ultimately observed and held that mere dissolution, sirf dissolution hone se, sirf dissolution hone se does not bring about the complete extinction of the firm. Firm extinct nahi ho jati hai. ठीक है, extinct nahi ho jati hai. Firm jo hai khatam nahi ho jati hai dissolution hone se. Ultimately, firm kab khatam hogi? On winding up पे खत्म होगी, ठीक है? और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब ये चल रहा है, विच कंटिन्यू एंड टिल द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म्स आर नॉट पेड, टिल द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म फर्म नॉट पेड, जब तक फर्म की लायबिलिटी पेड ना कर दी जाए तब तक फर्म खत्म नहीं होती, एक्सटेंट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। Thus the liabilities of the partner continue notwithstanding dissolution. Liability of the partner क्या रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी
चाहे डिसोल्यूशन हो जाए, नॉट विद स्टैंडिंग, चाहे डिसोल्यूशन हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अल्टीमेटली पहले अपनी लायबिलिटीज पे करनी है। ओके 49 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 49, व्हाट सेक्शन 49 सेज, पेमेंट ऑफ द फर्म डेट्स एंड ऑफ द सेपरेट। मैंने आपको बताया एक है फर्म के डेट्स, एक है फर्म के कर्जे और एक है एक इंडिविजुअल पार्टनर के कर्जे। पहले कौन सा चुकाओगे? सबसे पहले फर्म के डेट्स जाएंगे, फर्म के जो जो कर्जे हैं वो पे होंगे। और अगर सेपरेट डेट्स की बात करें, किसी पर्टिकुलर पार्टनर का डेट है तो वो उसकी ही प्रॉपर्टी से जाएगा, उसके ही शेयर से जाएगा। ठीक है, सो वेयर देयर आर द जॉइंट डेट्स, जॉइंट डेट यानी फर्म के डेट्स है, ड्यू फ्रॉम द फर्म एंड ऑल्सो सेपरेट डेट्स और अलग भी कर्जे को ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म यानी एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन द पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म। पहले फर्म के कर्जे चुकेंगे, एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस, उसके बाद अगर कुछ बचता है, देन द शेयर ऑफ ईच पार्टनर, तब उसका शेयर जाएगा ईच पार्टनर का, शैल बी अप्लाइड, उस पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर अप्लाइड होगा इन द पेमेंट ऑफ द सेपरेट डेट्स और पेड टू हिम। ठीक है, दस The separate property of any partner shall be applied first. Separate property of any partner shall be applied first in the payment of his separate debts and the surplus, if any, in the payment of debt of the firm. Is that clear? तो सबसे पहले जो firm के जो कर्जे हैं वो चुकाए जाएंगे firm की property से। उसके बाद किसी इंसान का, कोई partner का separate debt होगा तो वो pay होगा, लेकिन वो कहाँ से apply होगा? वो सिर्फ अप्लाइड कहां से होगा? उसकी पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है फर्म में, वहां से पेमेंट होगी। ठीक है, फिफ्टी पढ़ लेते हैं। द पर्सनल प्रॉफिट ऑन आफ्टर डिसोल्यूशन, अगर डिसोल्यूशन हो गया उसके बाद भी कई लोग हैं पर्सनल प्रॉफिट कर सकते हैं, तो अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट कर रहा है बाय सर्वाइविंग पार्टनर, तो दैट हैज टू बी पेड ऑफ टू द फर्म, फर्म को पे करना पड़ेगा। अभी फर्म डिसॉल्व ही तो हुई है, वाइंडिंग अप तो नहीं हुआ, तो पर्सनल प्रॉफिट आफ्टर डिसोल्यूशन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16A शैल अप्लाई टू द ट्रांजैक्शन बाय एनी सर्वाइविंग पार्टनर्स और बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स अंडरटेकन आफ्टर द फर्म इज डिसॉल्व ऑन अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर एंड बिफोर इट्स अफेयर हैज बीन कंप्लीटली वाइंडिंग अप। जब तक पूरा वाइंडिंग अप ना हो जाए, उस दौरान अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट अगर अर्न किया है, देन यू हैव टू पे टू द फर्म, फर्म को पे करना पड़ेगा वापस। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्टनर इज रिप्रेजेंटेड हैज बॉट द गुडविल, अगर डिसोल्यूशन के टाइम पर आपने एक बात रख ली थी कि भाई गुडविल मैं खरीद रहा हूं और उस गुडविल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं आफ्टर द डिसोल्यूशन बट बिफोर द वाइंडिंग अप, देन यू कैन डू इट। सो क्योंकि गुडविल तो आपने खरीद ली ना, तो व्हाई यू विल वेट फॉर द वाइंडिंग अप? You can use the name of the firm. You have paid for it. Provided that where any partner is represented has bought the goodwill of the firm, nothing in this section shall affect his right to use of the firm name. वो use कर सकता है जो खरीदार है goodwill का। ठीक है? बहुत simple से हैं, तो इसमें कुछ है नहीं। Return of the premium on the premature dissolution. ये मैं आपको बता रहा था बीच में ही, लेकिन मुझे लगा इस टाइम बताता हूँ। कई बार ऐसे पार्टनर होते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, चल रही है, बहुत फ्लरिश कर चुकी है, मैं उसमें पार्टनर बनना चाहूँ, तो कई बार मुझे प्रीमियम दे के आना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट दे के आना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल है, गुडविल भी तो बन चुकी है, राइट? अगर आज के टाइम में अगर आप कोई रेनाउंड पर्सनालिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्होंने काफी टाइम लगाया, लेबर, स्किल, नेम, फेम, देन इफ यू वांटेड टू बी अ पार्टनर देन यू हैव टू पे द प्रीमियम। बट अगर आप सपोज करो प्रीमियम दे के पार्टनर बने हैं, लेटर ऑन वो पार्टनरशिप फर्म एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए थी, आपने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए पार्टनर बनने के लिए, और वो ड्यूरेशन था 5 साल तक पार्टनरशिप चलनी थी, लेकिन वो 3 साल में डिसॉल्व हो जाती है, तो आप अपना क्लेम कर सकते हैं, भैया प्रीमियम वापस करो, पहली चीज। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि नो प्रीमियम वुड बी पेड, तो आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। और रही बात ये, अगर अगर आपका ही मिसकंडक्ट है, डिसोल्यूशन हो रहा है आपकी गलती की वजह से, देन यू कैन नॉट क्लेम द प्रीमियम। ठीक है, सो वेयर अ पार्टनर हैज पेड अ प्रीमियम ऑन एंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म एंड द फर्म इज डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, expiration of that term, otherwise then by the death. हाँ, लेकिन इसका exception है,
अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए उस ग्राउंड पर डिसॉल्व हो रही है फर्म, देन यू कैन नॉट क्लेम. ही शैल बी एंटाइटल टू रीपेमेंट, उसको वापस मिलेगा प्रीमियम जो उसने पे किया होगा. मैंने कहा 5 लाख रुपए दे के आया था, वो 5 लाख रुपए देंगे अगर फर्म डिसॉल्व होती है टाइम पीरियड से पहले. ऑफ सच पार्ट देयर ऑफ एज मे बी रीजनेबल रिगार्ड बींग हैड टू द टर्म अपॉन विच. लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा, उस चीजों को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा. भाई ये फर्म जो है 5 साल के लिए बनी थी, पता चला फर्म 4.5 साल बाद हो रही है, तो लगभग से 6 महीने तो बचे थे, तो उस हिसाब से उसको प्रोपोर्शनली जो लगता है प्रीमियम का तो फायदा तो उठाया होगा ना उसने, तो उन चीजों को ध्यान में रख के उसको प्रीमियम रिटर्न हो सकता है अगर उचित लगेगा तो. एंड टू द लेंथ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच ही वॉज अ पार्टनर, कितने लंबे समय तक वो पार्टनर रहा था. अनलेस, लेकिन बशर्ते यहाँ पर उसको प्रीमियम नहीं पे किया जाएगा, कब, जब डिसोल्यूशन उसकी ही मिसकंडक्ट की वजह से हो, या डिसोल्यूशन इज इन द पर्संस ऑफ द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था कि भाई तेरे को कोई प्रीमियम नहीं मिलेगा वापस जाने में अगर डिसॉल्व होती है तो फॉर्म. ठीक है, सिंपल सा है. नाउ सेक्शन 52, राइट वे अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रेस्किंडेड फॉर द फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन. अब कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर है, उसने उसका क्या अधिकार होगा, सामने वाले ने फ्रॉड किया है, सामने वाले पार्टनर ने फ्रॉड किया, दो पार्टनर ने सामने वाले ने फ्रॉड किया है, मेरे पास अधिकार है, मैं चाहूं तो पार्टनरशिप को खत्म कर सकता हूं. ठीक है, राइट वे पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रेस्किंडेड, खत्म की गई है फॉर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन. सामने वाले पार्टनर ने मेरे को मिस रिप्रेजेंट किया या मेरे साथ फ्रॉड किया, तो मेरा अधिकार है, मैं पार्टनरशिप को खत्म कर सकता हूँ. वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप, और इससे आगे फायदा क्या होगा, मैं पार्टनरशिप खत्म कर सकता हूँ लेकिन मैं एट द सेम टाइम लीन का भी अधिकार रखता हूँ. पार्टनरशिप फर्म की जो एसेट्स हैं सामने वाले की वजह से जो मुझे लॉस हुआ है, तो उसकी जो एसेट्स होंगे, उसकी जो शेयर होगा, आई कैन लीन ऑन इट, मैं उसको रिटेन कर सकता हूँ. और आई विल बी ट्रीटेड एज अ, पहले मेरे दूसरे पार्टनर की वजह से जो मुझे नुकसान हुआ है उसके लिए मैं लीन रखता हूँ, राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, जहाँ पे उसका भी शेयर होगा. और मैं एज अ क्रेडिटर ट्रीट होऊंगा, पहले मेरे को साथ जो फ्रॉड हुआ, उसका जो लॉस हुआ है, सामने वाला भरपाई करेगा, ठीक है, और इंडेमनिफाई करेगा. ये तीनों बातें हम पढ़ेंगे इसमें. वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप इज रेस्किंडेड, खारिज की जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ द फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज देयर टू, द पार्टी एंटाइटल्ड टू रेस्किंडेड, उसका अधिकार है वो पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है, इज विदाउट प्रेजुडाइस टू एनी ऑफ द अदर राइट. मतलब अपने अधिकारों को खारिज ना करते हुए तब भी वो, उसके अधिकार बरकरार रहेंगे. और क्या एंटाइटल होगा, क्या क्या उसके अधिकार होंगे अगर वो खारिज करता है, बिकॉज उसका अधिकार है, सामने वाले ने फ्रॉड किया, क्या अधिकार होगा, राइट टू लीन रिटेन कर सकता है ऑन और राइट ऑफ रिटेंशन ऑफ सरप्लस और द एसेट्स ऑफ द फर्म रिमेनिंग आफ्टर द डेट्स. देखो एक चीज और समझना, एक तो होता है दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के साथ फ्रॉड किया, डिसोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, डिसोल्यूशन में बात खुल के आई कि एक पार्टनर ने दूसरे सामने वाले पार्टनर के साथ भी फ्रॉड किया था, और थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज पे करनी है. तो पार्टनर एक म्यूचुअल ट्रस्ट पे होता है पार्टनरशिप, तो सबसे पहले पार्टनर को पे नहीं होगा, पहले थर्ड पार्टी को पे होती है चीज, ठीक है. सो लीन का अधिकार है, लेकिन लीन का अधिकार तब होगा, पहले सबसे पहले जो थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज है वो पे की जाए. सरप्लस और एसेट ऑफ द फर्म रिमेनिंग आफ्टर, क्या लिखा है, आफ्टर द डेट्स ऑफ द फर्म हैज बीन पेड, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो पार्टनर का अधिकार होगा लीन का. फॉर एनी सम पेड बाय हिम फॉर द परचेज ऑफ द शेयर इन द फर्म एंड फॉर द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, तो डेफिनेटली वो लीन रखेगा, तो उसका अधिकार होगा पहले, जिसने फ्रॉड किया उसका कोई अधिकार नहीं होगा. टू रैंक एज अ क्रेडिटर, अब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, उसको हम एज अ क्रेडिटर ट्रीट करेंगे ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट मेड बाय हिम टुवर्ड द डेट ऑफ द फर्म. पहले उसके पहले जो अमाउंट है वो पे किया जाएगा फर्म की एसेट से. और आखिरकार टू बी इंडेमनिफाइड, अगर फर्म की एसेट्स इतनी नहीं है कि उसका जो जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसके लॉसेस को कम भरपाई की जा सके, तो अल्टीमेटली इंडेमनिफाई करेगा जिस पार्ट जो गिल्टी पार्टनर होगा, जिसने फ्रॉड किया होगा. ठीक है,
तो तीन चीज ध्यान रखना, लीन का अधिकार है, उसको क्रेडिटर की तरह ट्रीट होगा, और अल्टीमेटली अगर पैसा ही फर्म की एसेट्स इतनी नहीं है कि उसके कर्जे उसका साथ जो फ्रॉड जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो भरपाई नहीं हो पा रही, तो इंडेमनीफाई करेगा गिल्टी पार्टनर। नाउ 53, राइट टू रिटेन सॉरी राइट टू रेस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ द फर्म नेम और द फर्म प्रॉपर्टी। राइट टू रेस्ट्रेन अधिकार है जो बायर है, जो गुडविल खरीदता है, जो गुडविल खरीदता है वो रोक सकता है कि आप फर्म का नाम यूज नहीं करेंगे ना फर्म की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आफ्टर फर्म इज डिसॉल्व एवरी पार्टनर और इज रिप्रेजेंटेटिव मे इन एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर टू द कॉन्ट्ररी, अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रिस्ट्रेन एनी अदर पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस इन द फर्म नेम। आप ना ही फर्म का नाम इस्तेमाल करेंगे, ना ही सिमिलर बिजनेस यूज करेंगे, सिमिलर टाइप का बिजनेस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम यूजिंग, और ना ही फर्म की प्रॉपर्टी यूज करेंगे ऑफ हिज ऑन बेनिफिट अंटिल द अफेयर ऑफ द फर्म हैव बीन कंप्लीटली वाउंडिंग अप, जब तक फर्म का सारा वाइंडिंग अपना हो जाए। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेर एनी पार्टनर इज रिप्रेजेंटेटिव हैज बॉट द गुडविल, लेकिन अगर इनमें से कोई पार्टनर ने कोई गुडविल खरीद ली है तो वो यूज कर सकता है, फर्म का नेम इस्तेमाल करेगा। दैट मीन्स जब तक वाइंडिंग अप कंप्लीट ना हो जाए आपको रोका जाता है कि आप फर्म का नाम यूज नहीं करेंगे, ना ही फर्म की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी ने गुडविल खरीद ली है then person can use the name or firm का नाम यूज कर सकता है फिर वो। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, किसी भी तरीके का अगर कोई एग्रीमेंट होता है जो रोकता है ट्रेड को, वो सेक्शन 27 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड होता है। ठीक है, बट ऑफकोर्स ये बात है सेक्शन 27 में हम ये भी पढ़ चुके हैं वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, आप किसी भी इंसान को थ्रू आउट द इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड काम करने से नहीं रोक सकते, और इसीलिए यहाँ लिखा है पार्टनर में अपॉन ऑन पार्टनर्स में अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसॉल्व, उन्हें लगता है कि अब डिसॉल्व होगी फर्म, एग्रीमेंट कर सकते हैं दैट सम और ऑल ऑफ देम विल नॉट कैरिंग ऑन अ बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ समय तक आप यहाँ काम नहीं करेंगे या विद इन दैट स्पेसिफाइड लोकेशन इस एरिया में काम नहीं करेंगे, चाहे आपने नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग, चाहे सेक्शन 27 में जो मर्जी लिखा हो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 27 का एक्सेप्शन जो है सेक्शन 54 है, सेक्शन 11 भी 11 का 2 सेक्शन 54 है। ठीक है, तो यानी ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है वो वैलिड होगी, वो सेक्शन 27 के वायलेशन में नहीं होगी। नाउ लास्ट सेक्शन है सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन राइट ऑफ द बायर एंड द सेलर ऑफ द गुडविल एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अब जब इंसान कोई गुडविल खरीद रहा है तो वो इंसान नहीं चाहेगा कि भाई मैं तो पेमेंट कर रहा हूँ दूसरे इंसान मेरा गुडविल या मेरा फर्म का नेम यूज करे, तो देर कैन बी एग्रीमेंट, ऐसा हो सकता है, ये भी सेक्शन 27 का एक्सेप्शन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 27 का एक्सेप्शन है कि जब गुडविल बेची जाती है तो रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है एंड दैट पर्सन हैज टू फॉलो दैट रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो सेलर को जो और पार्टनर है रिमेनिंग पार्टनर उनको दे हैज टू अबाइड बाय द एग्रीमेंट, अगर जब गुडविल भेजे जा रही है जो एग्रीमेंट वो कर रहे हैं उन्हें उनको फॉलो करना पड़ेगा। एक बार पढ़ लेते हैं, इन सेटलिंग द अकाउंट ऑफ द फर्म, जब कई बार ऐसा होता है वाइंडिंग अप जब हो रहा है तो गुडविल क्या है, गुडविल इज अ एसेट ऑफ द फर्म, कोई आदमी हो सकता है कोई पार्टनर हो सकता है वो कहता है कि भाई मेरे को गुडविल बेच दीजिए, और गुडविल जनरली कई बार रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो भी गुडविल खरीद लेते हैं, तो लेकिन हम डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की बात कर रहे हैं, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो कोई एक ऐसा पार्टनर हो सकता है जो गुडविल ऑफ फर्म खरीदने के लिए एग्री हो। तो इन सेटलिंग द अकाउंट ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द गुडविल शेल सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स बी इंक्लूडेड इन द एसेट्स, एसेट्स में इंक्लूड होगी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्ररी नहीं है तो, एंड इट मे बी सोल्ड, उसको बेचा जा सकता है इधर सेपरेटली और अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। Where the goodwill of the firm is sold after dissolution, dissolution के बाद अगर बेची जाती है, the partner may carrying on a business competing with that of the buyer. ये general rule है, goodwill बेच दी, दूसरे partner compete कर सकते हैं, same time का business start कर सकते हैं, he may advertise that business, but लेकिन अगर उन्हें goodwill इस term और condition पे बेची है, कि that buyer and the buyer he may not
टर्म एंड कंडीशन क्या है कि जिन्होंने बेची है वो यूज नहीं करेंगे फर्म का नाम, ना ही अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे हम इस फर्म से बिलोंग करते हैं, ना ही वहां के कस्टमर को जिसको गुडविल बेची गई है उसके पुराने प्रीवियस फर्म के नेम से कस्टमर को सॉलिसिट करेंगे। ठीक है, तो एनी पार्टनर मे अपॉन द सेल ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म मेक एन एग्रीमेंट विद द बायर दैट द सच पार्टनर विल नॉट कैरिंग ऑन अ बिजनेस। तो जो एक बायर है वो ये एग्रीमेंट कर सकता है खरीदते वक्त गुडविल को कि भैया आप इस तरीके का बिजनेस नहीं करेंगे विद इन पर्टिकुलर एरिया और विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और वो अगर इस तरीके का एग्रीमेंट करते हैं दैट हैज टू बी अ रीजनेबल, वो रीजनेबल होगा, सेक्शन 27 का वायलेशन नहीं माना जाएगा, बशर्ते कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए कंडीशंस। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक केस कर लेते हैं बस इस पे, लास्ट केस गुडविल से संबंधित है। हुक्मी चंद, हुक्मी चंद वर्सेस जयपुर, आइस एंड ऑयल मिल्स, आइस एंड ऑयल मिल्स इन द ईयर ऑफ 1980 राजस्थान का केस है। अब जब डिसोल्यूशन हो रहा था इस केस में फर्म में, देयर वाज अ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, और जब रिटायरिंग जो पार्टनर थे जो जा रहे थे डिसोल्व हो रहा था फर्म, उन्होंने अपना क्या करा, गुडविल को बेच दिया, सोल्ड द गुडविल, गुडविल को बेच दिया, एक पार्टनर ने ले लिया, और इन दोनों के बीच में यह भी एग्रीमेंट हो गया था दैट ही विल नॉट कैरिंग ऑन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस। जो बेचने वाला है, जो सेलर है, वो एग्री हो गया था इस बात में कि वो इस तरीके का बिजनेस नहीं करेगा, नॉट टू डू द बिजनेस, नॉट टू डू द सेम काइंड ऑफ द बिजनेस नहीं करेगा जो बेचने वाला था। ठीक है, तो ऑफकोर्स ही बात है, मैं अगर गुडविल खरीदूंगा तो भैया मैं भी तो चाहूंगा कि मेरा नाम जो मैं आज यूज कर रहा हूं कोई और यूज ना करे। ठीक है, अब सेलर जो होता है उसने बाद में क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट तो हो गया था, ठीक है, ना ही इस पर्टिकुलर लैंड में पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस जो है गुडविल तो बेची जा रही है, तो गुडविल तो बेच दी गई। अब लेटर ऑन बाद में क्या किया गया, इस इंसान ने गुडविल बेची, लेकिन जहां पे वो फर्म था, जो एरिया था उसका, इस सेलर ने अपना ही ये जो एरिया था, जो उसका जो प्लॉट था इसके पास, ही सोल्ड इट टू दिस फादर, इसने अपने फादर को बेच दिया वो प्लॉट। और इसके फादर ने क्या करा, सेलर के फादर ने वहां पे सेम टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सेम टाइप का बिजनेस। यानी एग्रीमेंट किन के बीच में हुआ, सेलर के और बायर के बीच में, लेकिन सेलर ने वो जो प्लॉट जहां पे बिजनेस चलता था वो अपने ही फादर को बेच दिया। सेलर ने नाम बेचा था, ना कि प्लॉट बेचा था, और उस प्लॉट में उसके फादर ने प्लॉट खरीदने के बाद वहां पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया सेम टाइप का। नाउ गाइस प्लीज टेल मी, क्या ये जो बायर है, कैन ही गो फॉर इंजंक्शन, कैन ही गो फॉर द रिस्ट्रेनिंग हिज फादर नॉट टू डू द सेम काइंड ऑफ द बिजनेस विच द बायर इज डूइंग, जिसने गुडविल परचेज करी है? Yes. तो यहाँ पर जो है बायर जो है, नॉट ओनली दी सेलर, सेलर को भी नहीं, सेलर को के अलावा इसके फादर को भी रोक सकता है, क्योंकि ये माना कि एग्रीमेंट तो इसके साथ हो, ये नहीं करेगा, बट ये क्या कर रहा है, जानबूझकर वो किसी और थर्ड पर्सन को भेज देता है और वो सेम टाइप का स्टार्ट कर लेता है। अब यहाँ थर्ड पर्सन ये नहीं कह सकता भैया मैं तो बिजनेस स्टार्ट करूंगा, बिकॉज सेलर के साथ ये टर्म एंड कंडीशन भी थी कि ही विल नॉट सेल द बिजनेस, इसने गुडविल जो दी इस टर्म एंड कंडीशन पे दी थी कि बिजनेस नहीं स्टार्ट करेगा, ये बिजनेस स्टार्ट करवा देता थर्ड पर्सन। तो कोर्ट हैज इशूड इंजंक्शन, कोर्ट ने इंजंक्शन इशू कर दिया कि भाई यू कैन नॉट डू दैट, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस इंसान के साथ तो धोखा हो रहा है ना यहाँ पर, इसने तो इस बिहाफ पे गुडविल ली थी कि यहाँ पर बिजनेस नहीं स्टार्ट होगा, ये बेच के चले जाता है दूसरे इंसान को, दूसरा इंसान सेम टाइम का बिजनेस स्टार्ट करता है, इसकी गुडविल को लॉस होगा। ठीक है, इट्स ओवर नाउ, तो कोर्ट रिस्ट्रेन कर सकती है।